पृथ्वी में एक खास ताकत है जो किसी और ग्रह में नहीं, और वो है गुरुत्वाकर्षण। इस आकर्षण की असली वजह है इस धरती की एक नायाब जगह माया नगरी मुंबई। कई लोगों की मनपसंद जगह है ये। लोग अपने अपने ख्वाबों को संजोए यहाँ आ पहुँचते हैं, और इसकी असली वजह है सिनेमा। कोई बनना चाहता है भंसाली, रोहित और स्पीलबर्ग, तो कई लोग यहाँ शाहरुख और सलमान बनने आते हैं, और अपने इन बड़े बड़े सपनों को ये नाम देते हैं पैशन। इन भटकते हुए प्राणियों के पास न खाने के लिए पैसा होता है, न देने के लिए बस का किराया, और तो और रहने की जगह तक नहीं होती। ये फुटपाथ पर अखबार बिछाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बेशक कुछ किस्मत वाले हैं जो सितारे बन जाते हैं और इन्हीं अखबारों की सुर्खियों में आ जाते हैं। एक दिन स्टार बनेंगे ही, इस मजबूत इरादे के साथ वो ऐसा मन में ठान लेते हैं कि एक न एक दिन ये फिल्म इंडस्ट्री रेड कार्पेट बिछाकर तहे दिल से उनका वेलकम करेगी। लीजिए उनमें से एक से मिलिए। ये एक छोटे से गांव से आए हैं और इनके मन में एक जिद है, और वो है इस देश का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनना। और अपने सपने को साकार करने के लिए इनको जरूरत है एक बकरे की, यानी कि एक प्रोड्यूसर। कोई धांसू कॉन्सेप्ट लेके आया ना? एक अलग और जबरदस्त कहानी है सर। कहानी का ही तेल लगाने ऐसा कॉन्सेप्ट ला कि प्रोड्यूसर के घर में पैसों की बारिश हो। वही पुराना नुस्खा। कहाँ खो गए? मैं सपनों में खो गया था सर। अब ये बता, तेरी कहानी में कितनी मोहतरमाएं हैं? एक हीरोइन है सर, पूरी फिल्म की वही जान है। एक हीरोइन तो एक रील के बाद बोर करेगी, वो अकेली नाच गा के ऑडियंस का दिल बहला पाएगी। सर मेरी कहानियों में नाच गाना नहीं है सर, क्लास टच मूवी है सर। क्लास का घास डालूंगा क्या? मुझे सिर्फ ग्लैमर चाहिए। ऐसा ग्लैमर लेकर आओ जो ऑडियंस के दिल के तारों को छू कर निकल जाए, छू कर। मैं तारों को जोड़ने वाला इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ। लगता है तूने कभी विक्रम दत्त की पिक्चर नहीं देखी जिसमें भर भर के होता है। इतने लंबे किसके बाद तो सर पूरे फिल्म का बजट लिपस्टिक में ही खत्म हो जाएगा ना। अबे मैं कंजूस नहीं हूँ, हीरोइन जीरो फिगर वाली चाहिए और हीरो टाइगर की तरह झपट्टा मारना चाहिए उस पे। ऑडियंस को ऐसा लगे कि उनके साथ ये हो रहा है। चार हफ्ते हाउसफुल जाएगी ये सब करेगा तो, उसके बाद पैसों की बारिश। सर इनकी कहानी भी मेरी चाय की तरह जायकेदार होगी, गारंटी से कह सकता हूँ कि इनकी फिल्म सुपर हिट होगी। चाय पीते पीते सुन लीजिए ना सर। इसे नीचे रख दो। रख दिया सर। यहाँ पास आ बेटा। क्या हुआ सर? मारू होशियारी करता है। चाय के कप के साथ सॉसर लानी चाहिए, इतनी भी अक्कल नहीं है तुझमें और मुझे तू अक्कल देने की कोशिश कर रहा है। चल लेके जा इसको वापस बताना। सी ग्रेड का आदमी ए ग्रेड की चीजें कहां से समझेगा? पता नहीं कहां से प्रोड्यूसर बन गया। थू! सर आपने अपने प्यून को बिना साबुन के क्यों धोया? किसने कहा ये प्यून है? ये भी तेरी तरह आया था डायरेक्टर बनने के लिए। दो दिन शूटिंग की और मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, इसलिए वसूली करने के लिए मैंने इसे अपना प्यून बना लिया। टाइटल क्या है? सर अभी तक रजिस्ट्रेशन बाकी है, पहले बता दिया तो स्टोरी लीक हो जाएगी। सही कहा, हमारी आधी इंडस्ट्री तो पानी से करके कमा रही है। आजा कान में बता दे। बेईमान प्रोड्यूसर से बचना। मेरी कहानी चोरी करने से पहले चला गया। आप सब में प्रोड्यूसर कौन है? अरे हम सब के सब प्रोड्यूसर हैं। अच्छा तो कहानी कौन सुनेगा? अरे सबको सुना। गलत जगह फंस गया। ये 30 लगाएगा, ये 60, ये 90, और अगर कुछ बचाना तो अपन लगाएगा। वैसे मैं 30-60-90 नहीं लेता, वो सेहत के लिए हानिकारक है। अपन यहाँ 30-90 की बात नहीं कर रहा, सॉलिड कैश की बात कर रहा है, समझा? चल बे कहानी शुरू कर। अब हाँ शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ तो ओपनिंग शॉट में श्री गणेश का छोटा मंदिर होगा, वहाँ से पुल आउट करेंगे और फोकस सीधा हीरोइन के ऊपर। हीरोइन हाथ उठाती है और टन करके घंटी बजाती है, उसके बाद भगवान की पूजा करके वो मंदिर से एग्जिट हो जाएगी। फिर जोर की बारिश होगी, चार मवाली आएंगे, लड़की का बलात्कार करके चले जाएंगे। नहीं, मेरी फिल्म में अगवा और बलात्कार नहीं है, पूरी तरह से मेरी फिल्म पारिवारिक है। इसमें गली के चोर लुच्चे लफंगे इन लोगों का कोई काम तो नहीं। क्या हम झुनझुना बजाएंगे? चौकीदार के कैरेक्टर के लिए कोई नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपन का बॉस हीरो होगा। आपके ऊपर हीरो का किरदार अच्छा नहीं लगेगा। अपना दिमाग सटका तो खड़े खड़े सबको उड़ा देगा, समझा क्या? इसमें हीरो विलन सब अपन करेगा। और हीरो के लिए अपने को कड़क डायलॉग मांगता। फिल्म में मर्डर और डकैती के 10-15 सीन मांगता। अपना मूवी का टिकट ब्लैक में मांगता। मैं थिएटर की बुकिंग करके आता हूँ। मेरी जवानी देख के अच्छी खासी लड़कियाँ पानी भरे।
तेरे को यहाँ आइटम डांस करने को नहीं बुलाया। आपको इम्प्रेस कर, तूने इतने फोन किए इसीलिए तेरी कहानी सुनने को हाँ भरी। आपको देख के लगता नहीं मैडम कि आप 18 के ऊपर हैं? क्या मतलब, आप मिस वर्ल्ड बन सकती हैं? सारे जजेस की कसम। ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिल्म की स्टोरी सुना। नेकी और पूछ पूछ, ये कहानी सिर्फ आप ही के लिए बनी है। प्रोड्यूसर भी आप ही होंगी और इस फिल्म की हीरोइन भी। और डायरेक्टर? डायरेक्टर तो मैं ही रहूंगा ना। ठीक है, जल्दी से बकना शुरू कर दो। हाँ, तो ओपनिंग शॉट हम गणपति बापा के मंदिर से करेंगे। नहीं, काफी सुन लिया। पिक्चर शुरू हुई नहीं और इंटरवल पहले ही कर दिया। गांव खेड़ा में मेरी छोटे चाचा की पत्नी की बड़ी बेटी रहती है। सिस्टर बोलती तो भी चली जाता। तो कजन के पापा ही मेरे मैनेजर है। यानी आपके चाचा ना। उन्हें भी तेरी कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करता हूँ। स्पीड पे थोड़ा ब्रेक लगा। लग गया मैडम। फॉरेन में मेरा NRI डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, अमेरिका में तो जाके उनसे भी स्टोरी अप्रूव करवानी पड़ेगी। मैडम, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि अमेरिका जाऊंगा, ओबामा को भी मिल के आऊंगा। ना, मैं नहीं भेज रही तो? अपने पैसों से टिकट खरीद के वहाँ जाके कहानी सुनानी पड़ेगी। मैडम, 4 महीने से रूम का भाड़ा नहीं दिया, 5 किलोमीटर चलकर आया हूँ। कल को बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, करोड़ों में तू ही खिलेगा। प्रोड्यूसर एक लेडी है तो उसे बेवकूफ समझ लिया। लास्ट टाइम जब फिल्म प्रोड्यूस की थी, स्पॉट बॉय से डायरेक्टर सब ने मुझे चुना लगाया। उनका नसीब खराब था मैडम, आपको हीरोइन नहीं लिया। बताइए, आपको कहानी नहीं सुना सकता। मुझे नहीं तो किसे सुनाओगे? जैसे ही चमचा नंबर 1 लिखूंगा आपके पास आ जाऊंगा। तो समझदार मिले। हेलो। और सत्या, क्या हुआ? अरे ये बता, श्रमिक ट्रेन गवर्नमेंट कब शुरू कर रही है? मतलब अभी तक बात नहीं बनी। अरे हिम्मत मत हार, पता है कल मैं एक पार्टी पे गया। अच्छा? था एक IT कंपनी के ओनर से मिला। हाँ। फिल्म बनाने का भूत चढ़ा है उसपे। IT पे डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनाएगा? फुल टू कमर्शियल फिल्म बनाने की बात की है। अबे मेरा इंट्रो करवाना उससे। अगर मेरा दिमाग ठीक है तो मैं बेटा फिल्म के अनिल कपूर से भी ज्यादा मासूम हूँ, और अगर दिमाग सटक गया तो मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो से भी ज्यादा खतरनाक। अगर तूने इस सौदे को ठुकराया तो वैसे तो लड़कियां अपनी शादी में 16 तरह के श्रृंगार करती हैं, लेकिन तेरी बीवी अपनी चूड़ियां तोड़कर विधवा बनेगी, ये मेरा वादा है। चल रख। सॉरी, ये सब जरूरी है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसे बड़ा स्ट्रांगली मार्केट में एडवर्टाइज करना है, वैसे ही जैसे नई मूवी प्रमोट करते हैं ना, सभी TV चैनल्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, मतलब हमारा प्रोडक्ट कोने कोने में छा जाना चाहिए। कुछ शक और सवाल? सर, IT इंडस्ट्री के होकर फिल्मी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो? जज्बा दोस्तों, फ्यूचर को लेकर मैंने काफी कुछ सोचा है। एक बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा जो कि अपने साथ ऑस्कर्स लेके आए। ये कॉल लेनी पड़ेगी। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम सत्या है सर। मेरे दोस्त ने आपका नंबर दिया। सर मेरे पास एक धांसू स्टोरी है, अगर फिल्म बनाएंगे ना तो ऑस्कर भास्कर सब अवार्ड मिलेगा सर। जरा सोचिए सर, मेरी इस फिल्म से आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। हेलो सर, सर सर कैंस में तो नहीं चलेंगे सर? हेलो, सॉरी। सर बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए ना सर, प्लीज। लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारी ये फिल्म मुझे ऑस्कर अवार्ड दिला के ही रहेगी? अरे सर गारंटी क्या, मैं तो आपको वारंटी भी देता हूँ। गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। सुनो, कल सवेरे शार्प 10 o'clock मेरे ऑफिस में, ठीक 10 बजे। ओके सर, मैं 9 बजे आ जाऊंगा। गुड, मीटिंग इज ओवर। ओके, थैंक यू। हाँ सुजी। हाँ सर। देखो, मुझे 1-2 घंटे के लिए कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, यस।
सर रुकिए सर, एक मिनट सर, आपसे कल फोन पे बात हुई थी ना सर, प्लीज सर 10 मिनट दीजिए मुझे। वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्या? है ना, तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा दिन खराब हो गया, अब कोई कहानी नहीं सुनने जाओ। सर वो ठेले वाला आ गया था, बस पंचर हो गई थी सर, क्या करूँ सर। सुना नहीं, मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे जाने दो। सर मैं टैलेंटेड अपकमिंग डायरेक्टर हूँ सर, एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए, गोल्डन जुबली हो जाएगी सर, प्लीज। ओ भाई, ना तो तुम डिसिप्लिन्ड हो ना ही पंक्चुअल, शक्ल से डायरेक्टर लगते नहीं हो तुम। आ जाते हैं, निकलो यहाँ से। अब पहली फिल्म की बात लगने लगूंगा सर। गाड़ी स्टार्ट करो। सर मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कहानी सुनो ना। तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है मुझे, मैं आपके टायर के पांव भरता हूं सर। तू यहाँ मरने का नाटक कर रहा है, चलो। सर एक बार सुन लीजिए सर, मेरी कहानी एक बार सुन लीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो मेरे सर को नींबू समझ के टायर चढ़ा देना, उफ तक नहीं करूंगा। तू सही कह रहा ना? जी जी सर। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तेरे सर को नींबू ही समझूंगा मैं। सर कद्दू भी समझेंगे तो कोई बात नहीं। मूर्ते चल गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अबे ड्राइविंग लाइसेंस है ना, चल हो जाए शुरू। सर ओपनिंग शॉट गणेश की मूर्ति से करेंगे, कट टू वाइट शॉट 90 फीट पे जिमी जिप, सीधे ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके बाद घर का दरवाजा धीरे से खुलता है, घर के अंदर लोबान अगरबत्ती के धुएं के साथ। मैडम मैडम के लग रहा है तू ही कातिल है। ए, ऊपर देख, उसे क्यों मारा? अगर मैंने ही मारा होता तो आपको क्यों बुलाता इंस्पेक्टर साहब? जानता हूं, तभी तो तुझ पे शक है। सबसे पूछताछ करना यह हमारा पहला उसूल है। चल अब जल्दी बता, चल बोल। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और दिखाना, कल सुबह थाने में हाजिरी लगाना। ठीक है साहब। अगर भागने की कोशिश की तो? नहीं भागूंगा। सील होने के जस्ट एक महीने बाद
फ्लैट का ओनर अमेरिका से लौटता है। चलो जल्दी नीचे उतरो, हमसे कहा फ्लैट में भूत है, शक्ल से खुद ही भूत दिख रहा। सलाम साहब। सलाम मैडम। साहब इस घर में किसी की रूह भटक रही है, इसीलिए कोई किराएदार नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो मैं खुद आया हूँ। रूह को आप भगाएंगे? एक बहुत बड़े पुजारी को बुलवाया है, रामचंद्र आचार्य, हिमालय से आए हैं, साल में सिर्फ एक बार ही शहर आते हैं। वो देखिए साहब, लगता है उस गाड़ी में वही आ रहे हैं। स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। यही वो बिल्डिंग है, वो रहा हमारा फ्लैट। लोगों ने बताया वहाँ आत्मा है, ना खरीदार मिलता है ना किराएदार। अब आप ही इस संकट से बचाइए। एक मृत औरत की आत्मा यहाँ भटक रही है, उसे एक खास इंसान का इंतजार है, बदला लेने के लिए वो आत्मा तड़प रही है। उसे यहाँ से भगाना या मोक्ष दिलवाना आसान काम नहीं। डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, किसी भी तरह उस आत्मा को अपने वश में कर लूंगा। वो आत्मा ना सिर्फ अदृश्य है बल्कि जिद्दी भी है, अपने तंत्र मंत्रों से उसे अपने सामने ला कर रहूंगा। नमो रुद्र भैरवा, वीर भद्रा, महारुद्रा। महाचामुंडाय जाग, उग्रवीरा जाग, महावीरा जाग, जाग। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विद्महे। जी ये नींबू हिप हॉप डांस क्यों कर रहा है? नृत्य नहीं कर रहा, इसके भीतर आत्मा कैद है। स्वतंत्र होने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। एक घंटे के अंदर इसे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो कल सूर्योदय तक इस नींबू से आजाद हो जाएगी, अपने कातिल को मार कर अपना प्रतिशोध पूर्ण करेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने फ्लैट में जा सकते हो। जय भद्रकाली। इस तरह रूह को कैप्चर करने वाला रामचंद्र आचार्य को भयानक मौत आ गई। मतलब नींबू वाली आत्मा बाहर भाग गई। लड़की का मर्डर हुआ या फिर उसने सुसाइड किया? उसकी आत्मा बदला लेने के लिए फ्लैट में रुकती है। क्या भटकती हुई आत्मा उस फ्लैट में वापस आ पाई? बताओ क्या हुआ, मुझे अभी बताओ क्या हुआ। सर हमारी इंडस्ट्री में ट्रेलर देखकर क्लाइमेक्स का अंदाजा लगाते हैं, पर आप ऐसे नहीं है सर। मैं आपको पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, सभी कहते हैं सर। तुम चाहो तो खड़े हो सकते हो क्योंकि तुम मेरे फेवरेट बन चुके हो। शुक्रिया सर, थोड़ा हाथ दे दीजिए, बाद में वजन घटा लूंगा। हो जाओ शुरू।
लड़की के आत्महत्या करने के पूरे 3 महीने के बाद वहां से हम सीधे रायचूर पहुंचते हैं सर। अरे अरे अरे, मैंने नरेशन करने के लिए नहीं कहा, खाना खाने के लिए कहा। शुरू हो जाओ, खाना खाओ। सर मुझे खाने की भूख नहीं है, एक बड़ा डायरेक्टर बनने की भूख है। क्या बात है, आई लाइक इट। थैंक यू सर। वाकई तुम में दम है। हाँ सर, शुक्रिया। अच्छा बताओ तो फिर आगे क्या हुआ? सर कहानी आगे बढ़ के पहुंचती है रायचूर के बस स्टैंड पे। रात का वक्त है, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और हीरो की एंट्री होती है, नाम है सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। एक अजीब ट्विस्ट है सर, हमारी कहानी का हीरो मेरी तरह एक ढासू डायरेक्टर बनना चाहता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो सीधा मुंबई आता है। और एक मिनट, हीरो कौन होगा? सर आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल हीरो रणवीर कुमार है। कितने पैसे लेता है? सर उसके लिए आपको उसके पर्सनल सेक्रेटरी से बात करनी होगी। ठीक है। इस मूवी के लिए 2 करोड़ सैंक्शन करता हूँ। सर 2 करोड़ तो हीरो पोटली में बांध के लेके जाएगा। है? सुन भाई, ये मेरी पहली फिल्म है, उसके लिए मैं सिर्फ 2 करोड़ रुपए लगा सकता हूँ। अगर बजट इतना कम है तो हीरो मुझे ही ले लो। आपकी फिल्म भी बन जाएगी और ना हींग लगेगी ना फिटकरी। मैं ऑटो में माइक रखकर पब्लिसिटी कर लूंगा सर। शूटिंग शुरू होने तक किसी एक्टर को ढूंढ लेंगे सर। ओके, आगे बोलो। सर जैसा कि मैंने बताया, 3 महीने के बाद रायचूर बस स्टैंड पे नाइट के इफेक्ट में। चलो चलो, बस निकलने वाली है, जल्दी चलो। ओम गणेशाय नमः। ए जल्दी चल रहे। आ रहा हूँ, 10 नंबर सीट का है। अरे तो ऊपर आके देखना, वहीं से मिलेगी। आप तो ठीक है ना, इतना चिल्ला क्यों रहे? उधर वो पीछे की सीट लेडीज के बगल। कहाँ है लेडी? लेडा आ गया। अरे जाके बैठ जाओ रे। पहले बताना था ना, विंडो सीट पर बैठने का मजा ही कुछ और है। अरे अरे अरे, क्यों हिल रहा है भाई? हाय चिनू, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? काफी दिन हो गए ना हमें मिले हुए। ये तो मुझसे नहीं, फोन पे बात कर रही थी। बाय। ये आपकी विंडो सीट, आइए। थैंक यू। आइए, मुझे लगा कि आप मुझसे बात कर रही थी। फोन पे कौन था, शोहर या आशिक? आपको इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। काम ही तो कर रहा था। आप यहाँ से उठेंगे प्लीज? सुना नहीं, ये मेरी सीट है। एक मिनट, सीट पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है? नाम नहीं, मेरी सीट पर नंबर लिखा हुआ है। अब पीछे कहीं एडजस्ट हो जाओ, वैसे भी ये बस मुंबई जाने वाली है। वो तो मैं भी जानती हूँ, पर विंडो सीट खास तौर पर मैंने बुक की है। हाँ तो उससे क्या? हटो यहाँ से। मैं नहीं हटूंगी। हाँ देखा, उसने मना कर दिया ना, तुम जाओ। उठ रही है कि नहीं? मैं नहीं उठने वाली। हाँ करेक्ट। क्यों परेशान कर रही हो, जाओ ना तुम। आखिरी बार पूछ रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, किसी और की सीट पे कैसे बैठ सकती है? चलिए जाइए यहाँ से। मैंने भी विंडो सीट की बुकिंग की थी। बुकिंग है, धनिया पीसने। तुम चलो हटो यहाँ से। जिसकी सीट है वही बैठेगा। सुंदर है ना, इसलिए सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आइए मैडम, आइए आइए बैठिए। साफ कर दिया, बी कंफर्टेबल। थैंक्स। हाँ सब आ गए, चलो। हाँ, खिड़की से सुंदर चांद की झलक मिली, बस चली तो कन्या ने पलकें झपकाई, दिल की कली खिली, तुम जैसी पत्नी मिली तो अपनी निकल पड़ी। तुम अच्छी कविता लिख लेते हो, किसी पब्लिशर के पास क्यों नहीं जाते? जरूर छापेंगे तुम्हारी कविता। ये ओरिजिनल नहीं है, किसी बेवड़े के मुंह से सुनी थी इसीलिए। हस्ती हो तो तितली लगती हो। लाइट बंद करो, सोना है। ए, ए, लाइट ऑन करो, अंधेरे से बहुत डर लगता है मुझे। ए, कंडक्टर, लाइट ऑन करो ना प्लीज। हेलो, कौन है? क्या हो गया, तुम अंधेरे से इतना डरते हो? बचपन में अंधेरे में एक भूतनी को देखा था। घबरा मत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मत देखो, सामने देखो। टीवी है सामने। अरे सफर करते वक्त ऐसे मरने मारने की सीन क्या दिखाते हो? बंद करो। फिल्मों में चल रहे ऐसे सीन से भी प्रॉब्लम है। अरे वो एक्सीडेंट एक्सीडेंट दिखा रहे हैं ना। ये सब नहीं देखना चाहते तो गाने सुन लो। डबल थैंक्स। हाँ अरे सीन अभी भी दिखाई दे रहा है। यू आर सो स्वीट। अभी टाइम है, थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ।
कस्टमर। और भाई लास्ट स्टॉप आ गया। मुंबई पहुंच गए क्या? अरे मुंबई की बस में चढ़ा है तो ऊटी थोड़ी जाएगा। यहाँ बैठी थी वो लड़की कहाँ गई? वो मैडम तो आधे घंटे पहले ही उतर गई। हाँ तो उसका एड्रेस दे दो। अरे वो मेरी रिश्तेदार है क्या जो एड्रेस बताएगी? अपना सामान पकड़ो और निकल यहाँ से। यहाँ रहने दो, तुम्हारी गैर हाजिरी में घर संभालने एक मर्द तो चाहिए। किसी काम का नहीं है ये गधा। इसे मजबूर समझकर कमरा भाड़े पे दिया, ये यहाँ रहते हुए मेरी बेटी पर भी डोले डाल रहा है। मेरी क्या गलती अंकल, आपकी बेटी बोली थी दिल का कमरा खाली है। क्या कह रहा है ये? सही तो कहा पापा, इसे घर से निकाला तो इसके साथ भाग जाऊंगी। इसके साथ भागोगी? दोनों की शादी करवा दूंगा, फिर कहीं भी जाके मरो, मेरे दहेज के पैसे बच जाएंगे। एक बार ये मान जाएगी पर इसकी माँ का क्या करूँगा? मेरी बीवी क्यों नहीं मानेगी? अरे पक्का नहीं मानेगी। इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इसकी माँ भी मुझ पर फिदा है, ये मुझे रोकी लेगी। माँ ये तो चीटिंग है। तू अभी भी एक तीर से दो निशाने मारता है। अरे तू कब आया? जब तू माँ बेटी के प्यार का कोऑपरेटिव स्टडी कर रहा था। तेरे घर में मैं तंबू गाड़ने आया हूँ और तू ही बेघर होकर जा रहा है। मत कर, तेरा तंबू कहीं ना कहीं गड़ जाएगा। वो लड़की का क्या? उसी की तो बात कर रहा हूँ और मैं घर की बात कर रहा हूँ। अरे तूने नहीं सुधरने की कसम खाई है क्या? अरे यार मैं अब नहीं जीऊंगा तो और कब जीऊंगा। वैसे तू ये सामान लेकर यहाँ क्यों घूम रहा? सुपर हिट फिल्मों का प्रोड्यूसर मनोहर का नाम सुना है कभी? वो मेरे जैसे हाईली टैलेंटेड न्यू कमर्स को ब्रेक देते हैं। अपनी कहानी सुना के उन्हें बाटली में उतार दें। उसमें तो तूने पीएचडी कर रखी है, टेंशन मत ले, तू ही सिलेक्ट होगा। बस एक हिट और अवार्ड की बारिश हो जाएगी। अवार्ड को बाद में देखेंगे, पहले घर ढूंढते हैं। बॉस हाँ, यहाँ पे कहीं कोई भाड़े पे घर मिलेगा? वो बोर्ड पर पढ़ो। ये बोर्ड? बकवास फ्लैट चाहिए अकेले ही जाओ, एक क्लास घर चाहिए मेरे पास आओ। लगता है कोई पिटा हुआ शायर है ये, देखकर तो नेता लग रहा है। अरे पका मत, चल उसको फोन लगाना। हाँ 9972275498। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? दिस साइड रंगा स्पीकिंग, दैट साइड हु स्पीकिंग? दिस साइड सत्या स्पीकिंग। अबे यही तो है वो। यही तुम्हारा ऑफिस है? कॉल करके आठाना वेस्ट करवा दिया मेरा। पोस्टर ही लगाऊंगा तो दुनिया को मेरी सुपर क्रिएटिविटी कैसे पता चलेगी? है इस इलाके में भाड़े पे कोई घर मिल सकता है? बजट बताओ। 5000 ओनली। तुम्हारा फ्लैट कन्फर्म, फॉलो मी। ओके देखते हैं। रुको 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 रुको, शानदार है ना, A1 सोसाइटी। कचरा बोलूंगा तो रेंट कम हो जाएगा। क्या हाल है वीर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। लगते तो नहीं। चलिए घर दिखाता हूँ। चलो चलो, सीरियस है, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं है उसको, तू चल। साहब हाँ। आप पहली बार आए हाँ। आप अंदर जाइए। ठीक है ठीक है, हो गई एंट्री। अरे वाह यार, ये घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप पर इतना अंधेरा क्यों है? वो खिड़कियां और पर्दे बंद है ना, इसलिए रोशनी नहीं आ रही। आप लोग बहुत लकी हो, हॉल एकदम घर जितना बड़ा है। गुड, हवा और धूप दोनों ही है इसमें। घोड़ियों के दाम में क्यों दे रहा है? आप लोग घबराइए मत, बाहर हवा तेज चल रही है ना, इसीलिए दरवाजा बंद हो गया। सर आप अंदर तो चलिए, मॉड्यूलर किचन देखकर मजा आ जाएगा। चाय तक नहीं बनाई आज तक। एक महाराज रख लेना, कुकिंग आती है ना आपको। कुकिंग क्या, कपड़े भी मैं ही धोता हूँ। हेलो। अरे यार चिल्ला तो ऐसे रहो जैसे अंदर कोई आत्मा है, मेरे छूते ही बाहर आ जाएगी। मकान मालिक ने अपना जरूरी सामान रखा है अंदर, इसीलिए इस कमरे को खोलने की मनाही है। हाँ तो ठीक है ना, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? भूत की पिक्चर मत देखा कर। ये ड्यूप्लेक्स है, ऊपर दो बेडरूम्स हैं। आइए दिखाता हूँ, यहाँ से आइए। दो कमरे ऊपर है, टोटल 3। उधर क्या? बालकनी है। ये हुई ना बात, आंखों को सेकने का इंतजाम हो जाएगा। जॉगिंग पार्क है क्या? अरे यार पिछले हफ्ते एक नेता यहाँ पर सोया था, सारी रात उसे कुछ नहीं हुआ। नेता खुद भूत से कम है क्या? मुझे एक बार वोटिंग के पहले दिखा था। हेलो मिस्टर बोलिए। वी आर कॉलिंग फ्रॉम विप्रो। आपने प्रोग्राम डेवलपर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? मैडम बताइए ना, आपको सिलेक्ट कर लिया गया। थैंक यू मैडम। आपको नाइट शिफ्ट ड्यूटी मिली है। हाँ? ऑफिसर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। मैडम आज ही आ जाऊंगा, बल्कि मैं तो अभी आ रहा हूँ। ओके हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैडम, बाय। ये देखा तूने, अभी इस घर में कदम ही रखा और मुझे विप्रो में नौकरी भी मिल गई।
इस घर में आते ही कब्रिस्तान दिख गया और तू बोल रहे? अरे आप चुप रहिए सर, इस घर में आके कईयों की सोई किस्मत जाग चुकी है। हाँ। नहीं, हमें दूसरा घर दिखाओ। शहर में कई ऐसी इमारतें हैं जो कब्रिस्तान पे बनी हैं। आप किस्मत वाले हो के बगल में बनी है। स्ट्रगलर्स का मसीहा ये। अरे न्यू ब्राइट टैलेंट, जिसके पास भी अच्छी कहानियां हो वो हमसे आकर मिले, हम आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। अब क्या कहेगा? ऐसा लग रहा है डायरेक्ट मुझसे ही बात कर रहा है वो। गुड लक का एक और एग्जांपल। चिंता मत करो, मनोहर को आपकी कहानी जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सर। हाथ मिलाने के बजाय हाथ में थोड़ा एडवांस कर दो, मुझे जाना है। टोकन 5,000। किससे मिलना है? थोड़ा पानी मिलेगा, हम आज ही फ्लैट नंबर 202 में शिफ्ट हुए। 202 में? अरे बहन जी क्या हो गया आपको? भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा, हम आज ही फ्लैट नंबर 202 में शिफ्ट हुए। 202 में? जी हाँ। शुक्रिया वीरू भाई, फ्लैट नंबर 202 का नाम सुनते ही कोई पानी नहीं दे रहा। सिर्फ इसी बिल्डिंग में नहीं, बैचलर्स को पानी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जिस दिन आपकी फिल्म हिट हो गई कोई भी आपको पानी देने के लिए मना नहीं करेगा। अरे मुझे तो पूरी दुनिया में मशहूर होना है। और साहब मनोहर जी से कब मिलने वाले आप? आज ही। तो क्या बोलता है भाई? इसे गिन के 600 उधार है, ठीक है? आज मैं प्रोड्यूसर मनोहर को कहानी सुनाने वाला हूँ, एडवांस मिलते ही तेरे को चेक दे दूंगा, तू बीड़ी की फैक्ट्री लगा देना, लाइफ सेट है तेरी। है वो प्रोड्यूसर आउट ऑफ टाउन गया। धीरे धीरे बोले, इसके सामने ऊंची ऊंची फेंक रहा था। मनोहर एक हफ्ते से पहले नहीं लौटेगा, इतने दिनों तक कैसे गुजारा करेंगे? कहीं हमारे टैलेंट का बबल दुनिया को दिखाए बिना फूट न जाए, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ना खाना पीना है ना घर है, कुत्ते की तरह भटक रहे हैं। पीके तुझे याद है क्या, तूने बताया था कि तूने किसी दोस्त को उधार दिया है, तो अपना पैसा उससे मांगना यार। अरे वासु को फोन करता हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आता है, रिंग बजती तो उठाता नहीं है, कई बार तो स्विच ऑफ ही आता है। ये क्या बात हुई पीके, उसने तुझे हीरो बनाने का प्रॉमिस किया था, अब कहाँ गया वो? नो आईडिया। अगर मैंने ट्राई किया होता तो अब तक हीरो बन चुका होता। हाँ बन जाता ना, भूत की पिक्चर में खोपड़ी बनता। कहीं और उंगली कर, डायरेक्शन के साथ फिल्म में खुद एक्टिंग करते। एक्शन, ओवर एक्शन, इमोशन, स्लो मोशन, रोमांस, बस कर यार, ट्रेजेडी, ये मसाले डाल के फिल्म बनाएंगे, गानों का तड़का लगाएंगे, बंसाली और शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर बनेंगे और ऋतिक जैसा हीरो। सुपर। देख पीके, हीरो बनते ही हमें सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार बनने के बाद हम डायरेक्टली तो काम मांगने जाएंगे नहीं। और पता है पीके, जैसे ही एक बार हमने मनोहर को कहानी सुना दी, वो हमारा हाथ पकड़कर 10,00,000 का एडवांस चेक दे देगा हमें। सीधे 10,00,000। अच्छा सुन, प्रोड्यूसर मनोहर को आने में 7 दिन लगेंगे, तब तक खाएंगे और पियेंगे क्या? खाने पीने की टेंशन है। मेरे बंगले के आगे इसका बंगला पानी कम चाहे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, ये लीजिए प्रसाद। डम 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 बाजे शिव का डमरू। रुक रे, पब्लिक पार्क समझा इसको, किससे मिलना है? मनोहर साहब से मिलने आया हूँ। वो शहर से बाहर गए हैं। कब गए? ये तो पता नहीं, वो तो बैंकॉक गए हैं। लेकिन लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना, मेरे पास एक रापचिक कहानी है, जैसे ही सर सुनेंगे ना सीधा शूटिंग शुरू कर देंगे। कहानी सुनाने आए हो क्या? जी हाँ। तुम एक काम करो, मुझे अपना फोन नंबर दे दो। ओके। और साथ में अपना बायोडाटा। हाँ, भी हाँ। साहब आएंगे तो मैं उनको बोल दूंगा और तुम्हें फोन कर दूंगा। सब कुछ अपने साथ लाया हूँ, प्लीज सुनिए मेरे बारे में बताना, आपको बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, अब तुम जाओ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बोल पीके। बकरा मिल गया। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये घर तेरे लिए भले ही लकी है पर मेरे लिए एक नंबर का पनौती है। क्यों भाई, अब क्या हो गया? मैं इतनी अच्छी कहानी सुनाने गया था और वो बैंकॉक जाकर गुलछर्रे उड़ा रहे। तो क्या हुआ, तुझे क्या लगा इतना बड़ा आदमी क्या तेरे लिए घर पर बैठा रहेगा? जाके देख तेरा मनोहर ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आ गया। तू जाके दरवाजा खोलना। हाँ खोलता हूँ। अरे सिर फोड़ दिया। किससे मिलना तुम्हें? तुम में से सत्या कौन है? अरे देखो मैं हूँ मैं। आप दोनों की तारीफ मनोहर सर के क्रिएटिव टीम से हैं। क्या? मनोहर की टीम के लोग हैं? डीके। डीके। आइए ना सर, आइए। कम ऑन कैच। कुछ समझा कि नहीं? ये क्या पीके डीके? ये घर छोड़ना चाहता है तू? अरे अब तो ये अपना हुआ। हेलो लड़के। लड़का सुबह झाड़ू पोछा मार के गया। तेरे को बुला रहा था। मेरा प्यारा नाम है सत्या। ओके, सुना है तेरे पास मस्त कहानी है, ऑफिस में बायोडाटा छोड़ के आया ना तू? एकदम करेक्ट है, आज सुबह ही देख के आया, वहाँ जाकर पता चला कि मनोहर सर बैंकॉक गए। हेलो, वहाँ उनकी शूटिंग चल रही है।
पर हर एक घंटे में हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। उन्होंने तेरे बारे में सुना तो तेरे साथ रहने को बोला है ताकि देख पाए तेरे में दम है कि नहीं। 500 किलो की गोनी उठा सकता हूँ। सॉरी सॉरी झूठ बोला, 50 किलो तो उठा ही लूंगा। यहाँ तेरी ताकत चेक करने नहीं आए, तेरा टैलेंट देखना है। तुम्हारी क्रिएटिविटी का टेस्ट लेने आए हैं, तेरे डायरेक्शन की गहराई नापने आए हैं। सर मेरा दोस्त बहुत क्रिएटिव है। हेलो, क्रिएटिव है या डफर वो हमें डिसाइड करने दो। अच्छा ये बताओ एक हफ्ते तक हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? सर 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 वो सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा, आप बस इसे काम दे दीजिए। अब बताओ एक हफ्ते तक क्या खाएंगे पिएंगे? बकवास मत कर, ब्रेकफास्ट करवा। तीन चार वैरायटीज होनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आपको जो कुछ चाहिए इसे बता दीजिएगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, शक हो जाएगा। सी यू बाय। ये पैसे रख और उन्हें जो चाहिए मंगा देना। शुक्रिया दोस्त। और क्या सोचा, घर बदलना है कि नहीं? वैसे ये दोनों मेरी लाइफ ही सवारने के लिए तो आए हैं। बाय बाय। इसको तो बहुत इस्तेमाल करेंगे। सुनिए आपके लिए नाश्ता झुनका बाकर से लाऊं या कहां से? चलो पेट भर के खाते हैं। ये पूछता रहेगा या लाएगा भी? भूखा मारेगा क्या? देखिए ओवर तो नहीं हो गया ना? ठीक है। दुनिया में खुशी हो या गम हो सब बॉटल खोल के चीयर्स बोलते हैं, तो ये बताओ बियर मालिक दिवालिया कैसे हो गया? समझा, गैस प्रॉब्लम। ये बताओ मनोहर के ऑफिस में किस पोस्ट पर हैं आप लोग? गोस्ट राइटर्स। भूत वाला नहीं, दूसरों के नाम पे स्क्रिप्ट लिखते हैं ना वो। एक्शन से लगता है कि मार्कर से स्क्रिप्ट लिखता है। देखे इसको सैंपल दिखा। सैंपल दिखाने से पहले खिड़की खोल दूं क्या? सुन के लगता नहीं है कि ये डायलॉग ओरिजिनल होंगे सारे इसके। गोस्ट राइटर बोला ना। अब मेरी बात। अब समझा, टैलेंट तुम्हारा, पैकेजिंग उनका। hey, इसी ने लिखा है ये, यही घोस्ट राइटर है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने टैलेंट को कभी मरने नहीं दूंगा, चाहे स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो या डायलॉग हो, अपने नाम से ही दूंगा। डंका तो मेरे नाम का ही बजेगा ना। सारे स्ट्रगलर यही बोलते हैं। एक बार हिट तो हो जाने दो। पीके भाई क्या हुआ? पीके भाई बॉस, तो तुम्हारे अलावा फ्लैट में और कोई रहता है क्या? तो उधर से कोई झटक से इधर गया। तुम्हारा बहम होगा। इस बात पे एक और बात याद आई। हेलो सुसु जाना है। आ तो जाना। इतना चकना क्यों चखा? अरे अंदर क्या? इतनी मत पिया कर। अरे मैं कोई नशे में नहीं हूँ। अरे अंदर मैंने। अरे यार कुछ तो बोल। बाथरूम में कोई है? यहाँ दो गोस्ट और एक ओरिजिनल राइटर है बस। गोस्ट का नाम लेना जरूरी है क्या? सच कह रहा हूँ अंदर कोई है, मेरे साथ चलो आओ। ए सत्या देखो, फ्री की बियर जल्दी चढ़ जाती है, बेवड़ा कहीं का बैठ। तुझसे कम पी। मेरा नाम पीके है। सच कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम अंदर कोई है, प्लीज चलो। सत्या कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं। चलना, इधर तो अंधेरा है। सच तो नहीं है ना? भूत को बाथरूम तो क्या, उन्हें सुसु तक नहीं आती। किधर है? इसके पीछे। इधर। नहीं। तू जाके देखना तेरा घर, तू जाके देख ले। मैं देखता हूँ। ये कोई नहीं है, कोई नहीं है, खेल रहा था। कोई नहीं है। ये पागल कहीं का कुछ भी दिखता है पीने के बाद। चलो और पीते। आजकल तेरी कैपेसिटी कम हो गई है। कल की भी आज पीनी पड़ेगी। अपनी आंखों से देखा था, कहीं
डुप्लीकेट तो नहीं था, होता तो कहीं दिखता ना। मैं भी आ रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम लोगों ने सारा कोटा आज ही खत्म करने का फैसला किया है क्या? देखे हाँ पीके, सत्य सच में बहुत ही टैलेंटेड है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इधर आ। क्या लगता है इसको डायरेक्शन के लिए लॉन्च कर सकते हैं? 100% पक्का में भाई। थैंक यू। डीके क्यों पीके, आवाज सुनाई रही है क्या? डीके एकदम साफ घुंघरू की आवाज आ रही है। सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं, मुझे भी चन चन की आवाज सुनाई दे रही है। डीके पीके क्या गम है कि रो रहा है? सुनो, डीके नहीं रो रहा, कब्रिस्तान से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। कब्रिस्तान किराया कम था, दोस्त ने बिना कुछ आगे पीछे देखे हाँ भर दी। अब बताओ ना, गोस्ट राइटर्स को गोस्ट से डर लगेगा ना? गोस्ट राइटर मतलब गोस्ट दोस्त नहीं होते, उल्टी बोतल मारू क्या? हाँ, चुप हो जाओ। आई एम गॉड, गॉड इज ग्रेट। भूत या भूत का बाप मेरे सामने आया तो उसकी वाट लगा दूंगा। अब तो सच में बहादुर है। भाई पीके, भाई डीके, एक बात बताइए ना, आप लोग डर रहे हैं कि डरा रहे हैं? क्या है? जाना अपने कमरे में सो जाना। गुड नाइट। बात तो सुनो भाई, मैं आज तक बिना खाए सोया नहीं हूँ। चलो ना बाहर जाके बिरयानी खा के आते हैं। चुप, भूख नहीं है, अकेले जाके खा ले। अरे सुनिए तो, अरे अरे उठ जाओ, बिरयानी खा लो, नींद अच्छी आएगी। कल के अपकमिंग डायरेक्टर को गेट लॉस्ट बोल रहे हो? मैं तो खाऊंगा, भूख लगी है। यही तो रखी थी बिरयानी, भूत ने खा ली क्या? अरे तुम तो वही बस वाली हो ना? तुम ये घर मैंने भाड़े पे लिया है। असल में मेरी दोस्त यहाँ रहती है तो। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ पास के गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। हाँ। वो हॉस्टल जल्दी बंद हो जाता है तो, और आज आने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा। और ऑफिस की मेरी अगली शिफ्ट रात के 2 बजे की है तो उसके पहले का जो वक्त है मैं यहाँ स्पेंड करती हूँ। But it's okay, you carry on. अरे रुको, इतनी रात को कहाँ भटकोगी, मुझे अपना दोस्त ही समझो। No worries, it's okay. इतनी बारिश है, भीग जाओगी। मस्त कॉफी बनाता हूँ, आओ ना। कॉफी पे इनवाइट करके आपने मुझे रोक लिया। You know, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। प्लीज आइए, आइए ना। Okay. आओ, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। उस दिन बिना बताए बस से उतर गई, मैं परेशान हो गया। कंडक्टर से आपका एड्रेस पूछा तो मुझे डांट रहा था। इत्तेफाक देखो ना, अब बिन बुलाए यहाँ पर चली आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉफी दिल में मोती चूर के लड्डू फूट रहे हैं। माइंड और बॉडी दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। फील एट होम। हाँ, तुम बीन बैग पे जम जाओ, तब तक मैं कॉफी क्रश करके मस्त कॉफी बनाता हूँ। अच्छा अंजलि, कॉफी लाइट पसंद कर दियो या स्ट्रॉन्ग? I love strong. Okay. I too love strong. Sugar, एक चम्मच या तुम्हारी तरह स्वीट? स्पून बड़ा हो तो सिर्फ एक चम्मच, स्पून बड़ा हो और कप छोटा हो तो सिर्फ आधा डालना, अगर कप बड़ा हो और चम्मच छोटी हो तो सिर्फ 2 चम्मच डालना। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉफी तैयार है। चम्मच के साथ चीनी भी लाया हूँ। सॉरी, थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉफी बनाने में एक्सपर्ट हूँ और तुम कॉफी टेस्ट करने में एक्सपर्ट हो।
सच में सत्या, कॉफी बहुत उम्दा बनी है। क्या पहले चाय की टपरी चलाते थे? क्या है, मैं यहाँ मशहूर डायरेक्टर बनने आया और तुम मुझे नागुरी चाय वाला बनाने के पीछे पड़ी हो। सॉरी, एक दिन तुम ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बनोगे। आई नो। थैंक यू। तुमने 3 बार तारीफ की, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। के खुद जाग रहा है। ये लड़की कहाँ गई? हैं? लड़की थी, हॉरर सीन सुना के हमें सुला दिया और रात को रोमांटिक सीन लिख रहा था। लड़की को बुलाया तूने? रायचूर के जिस बस से यहाँ आया ना, मेरे साथ वाली सीट में अंजलि नाम की एक लड़की बैठी थी, पास में ही उसका हॉस्टल है। उसे जब पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे हेलो कहने चली आई। तो हमसे पहचान वहचान नहीं करवाई? सिर्फ भूतनी से पहचान कराई। अभी मनोज सर से बात करता हूँ। भाई, मनोज जी बैंकॉक में सैंडविच मसाज लेने में बिजी होंगे, उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना, आपके बारे में बता दिया हूँ मैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जो लड़की आई थी उसको उस फिल्म की हीरोइन बना दूं। भाई मेरा पार्टनर आ गया है, उसके सामने अंजलि का नाम मत लेना। क्यों? मामला थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसका कैरेक्टर ढीला है। Hi guys. Hi, duty कैसी रही? Super amazing, मजा आ गया। अच्छा। पता है ऑफिस में ज्यादातर लड़कियां फ्रेशर्स हैं। ड्यूटी पे ब्यूटी मिल जाए तो क्या कहने। सोच रहा हूँ कल से ओवर टाइम शुरू कर दूँ। क्या है कि 1-on-1 सेशन शुरू हो जाएगा ना। सर, आपने मेरे दोस्त की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी? ऐसे कैसे पढ़ लूं, छोटी किताब है क्या? ये तो लाइब्रेरी है। थैंक यू। एकदम गया गुजरा है। कुछ बोला क्या? गहरी चिंतन करनी है। सोच रहा हूँ इसको मल्टीप्लेक्स ले जाकर एक ऑस्कर विनिंग भोजपुरी फिल्म दिखाऊं। इसको फिल्मों की कितनी समझ है? अच्छा, तो मेरा एग्जाम लेना चाहते हो? तुम्हें फिल्म की रेटिंग भी देनी पड़ेगी ना। ओह सुपर। बाय द वे, रास्ते में ताज ढाबे भी जाएंगे, तुम्हारा फेवरेट डिश मक्के के पराठे। हाँ, मक्के के पराठे के साथ सरसों का साग भी खाएंगे। गहरी चिंतन करनी है। ठीक है, ये लो पेट भर के खाओ। अपनी सारी सैलरी उड़ा दोगे क्या? सत्या, दोस्तों में हिसाब थोड़ी रखते हैं। एनीवेज, यू गाइस कैरी ऑन। ओके, बाय बाय। इसमें मस्त खाना आ जाएगा ना? अरे चलो, नहीं तो वापस मांग लेगा। चलो चलो। गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा? अपनी आंखों की जांच करवाओ। वक्त रहते ब्रेक नहीं लगाया होता तो कार के नीचे कुचल गए होते। कार नजर तो नहीं आ रही है? इतनी बड़ी कार नजर नहीं आ रही? अब एक मेला पैजामा और सर पे कुछ बाल दिखाई दे रहे हैं। बच्चू, पैजामा दिखा, कार नहीं दिखी। ज्यादा मत झुके नहीं तो दिख जाएगी। एक मिनट साहब, इनका तारुफ मैं कराता हूँ। ये नए आए हैं, इनको पार्किंग के बारे में नहीं बताया। आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए। हाँ जाइए, पार्क कीजिए आराम से। हाँ जाइए, बस थोड़ा आगे जाके लेफ्ट ले लीजिएगा। हाँ वहीं पर। ये थोड़ा दिमाग से पैदल है इसीलिए ऐसा कर रहा है। दाईं ओर आपकी पार्किंग है, रिवर्स कर लीजिए। हाँ। अरे वीरू, अंकल को समझाओ ना, उनके पास गाड़ी नहीं है। नौकरी से निकलवाएंगे क्या? मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा। हर महीने अपनी गाड़ी धोने के 3,000 रुपए देते हैं मुझे। अबे सुन। हाँ सर। कहा था ना कि 303 वाले को समझा देना। क्या हुआ? वो स्कूटर मेरी पार्किंग में लगाता है, जब देखो तब गाड़ी पर डेंट डालता रहता है। आइंदा किया तो खर्चे लूंगा। हाँ बोल दूंगा। हाँ। वो क्या है कि दिवाली आने वाली है। हाँ। अगर तनख्वाह मिल जाती तो खाने पीने का इंतजाम हो जाता। तो क्वार्टर मत लेना। हाँ। फुल लेकर आना, हम साथ पियेंगे। देता हूँ। देखा। ये रही डिक्की की चाबी, उसमें खंभा रखा है, खोलो निकालो और गटक लो। दिवाली मुबारक। अरे रे रे रे, मेरे भाई इनको चूना लगा रहा था, ये तो तेरे को कत्था लगा गए। ये साहब की स्टोरी क्या है? पिछले साल इन्होंने अपनी नई गाड़ी रिंग रोड पर गलत एंट्री में डाल दी और सामने से आते हुए एक तेज ट्रक से टकरा गई। सिर्फ साहब और स्टेयरिंग ही बचा, बाकी सब जल गया। तब से ये ऐसे हो गए। भाई उसको बता क्यों नहीं देते कि उसकी गाड़ी अब स्वाहा हो गई है? एक बार सच बोलने की गलती की थी। तो उसके बाद क्या हुआ? ये सिला मिला। आदमी है या आदम खोर है, माँ कसम टॉगी की तरह काट खाएगा। अच्छा ये बताइए,
ये दोनों कौन है? प्रोड्यूसर मनोहर का स्टाफ है, क्रिएटिव टीम। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं। तो एक काम कीजिए, आप इन्हें जल्दी बड़ा डायरेक्टर बना दीजिए। हम भी उसी कोशिश में लगे हैं मेरे भाई। वॉचमैन के रिकमेंडेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चल चल, बहुत गर्मी है। फिर भाई इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, दिवाली की बख्शीश समझ के रख लो, चलता हूँ। अच्छा मनोहर जी का नेक्स्ट आने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? कौन है हम? आप पीके और डीके है ना? अरे ये पिक्चर का नाम है, आने वाली फिल्म है ये। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका डायरेक्शन तुमसे करवा सकते हैं। अब मैं क्या ही बताऊं भाई, डायरेक्ट करने का तो बहुत ही मन कर रहा है। मेरी स्टोरी वाली फिल्म को ही डायरेक्ट करूंगा। पक्का ना? 100%। फिर ये तो बिल्कुल मत बोलना कि हमने चांस नहीं दिया। एक ब्रश, एक पेस्ट, दो अंडरगार्मेंट्स। हाँ ये तो मेरे लिए ली थी। अरे चार बियर की बोतलें। अरे यार देख, हम पर जो खर्चा किया वो लिख रहा है। हाँ देख, 1500 चड्डी का भी। अरे हेलो, मुझे आवाज। अरे चिल्ला मत ना, लाइन पर प्रोड्यूसर मनोहर सर है। मेरे बारे में बताओ ना, थोड़ी तारीफ करो ना, तारीफ। सर नमस्ते सर, शूटिंग कैसी चल रही है सर? सच में सर, आपको बोला था ना सर, पंचाली को मत लो, बजट कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप फंस गए ना सर, रिप्लेस करते ना सर, पिक्चर में डायरेक्टर सत्या को ले लेते हैं सर। नहीं नहीं, मैं किसी और की फिल्म डायरेक्ट नहीं करूंगा। मना कर रहा है सर, सत्या को कैंसिल कर दो। नहीं, कहानी डायरेक्ट करूंगा, कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हां क्या बोल रहे हैं सर? सर अरे सत्या कौन है? क्या अरे भूल गए क्या, टैलेंट चेक करने के लिए हमें भेजा ना सर वो। हाँ सर वही, सर से पांव तक टैलेंटेड है सर। हाँ सर, हमारे पास 1 साल के लिए रोहित पंचाली की डेट्स है, बाद वाली फिल्म में उसको सत्या का असिस्टेंट बनाएंगे सर। थैंक यू। सत्या की फिल्म हिट होगी सर, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके सर, ओके। अरे सर क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, बस ना। अरे ओके ओके। रो रहा है? ए मीना कुमारी क्यों बन गया? अच्छा नहीं करनी है, मना कर देता हूँ। ये खुशी के आंसू है, बोल नहीं पा रहा। अरे तू भी ना, इतना बड़ा स्टार बन गया ना। क्या यार, कभी रोहित बंसाली भी ऐसे ही खुश होकर रोया था पता है? वो कट बोलता है, बस इतना ही तो आता है उसको, बाकी बीच वाला डायरेक्शन का काम तो सर ही कर लेते, कट बोल के बैठ जाता है। अच्छा? सुपरस्टार डायरेक्टर। इसकी तो लाइफ सेट हो गई है। आत्मा फिर से गई क्या? कहीं फिर से तो बिरयानी ऑर्डर नहीं की ना? आत्मा को बिरयानी पसंद हो गई, ये किसने सोचा था? हमने तो बाय मिस्टेक मंगवा लिया था। आज तो हैदराबादी मंगवाई है, पागल हो गया क्या तू यार? तके के नीचे रखा है। जा जा जाके उसे खिला कर आ। सब टीम बना के चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम इधर ही ठीक है। तो तू जा। अरे धक्का क्या मार रहा है? सत्या एक मिनट। हाँ खड़ कहीं का समझता नहीं है। क्या चबा रही है वो? भाई आत्मा पार्सल खोल के खा रही है। सच में? हाँ। गई क्या? मेरे को तो लगता है कि पक्का गई। हम गई ना? हाँ? चलो जान छूटी, जरा देखो तो। देखते हैं, दरवाजा खोल के चेक करो। गई क्या? ध्यान से। पक्का गई। बिरयानी तो ले गई, पक्की नॉन वेज की शौकीन लगती है। भूतनियाँ इंसानों तक को खा जाती है। हम भूख से मर के भूत बन जाएंगे, मरने से पहले बिरयानी खाना उसकी आखिरी ख्वाहिश रही होगी। ऐसा क्या? अंदर चलो वरना चिकन की बजाय हमारा दम बिरयानी बना के खा जाएगी।
चली गई तकिए के नीचे बिरयानी बचा के। सच में? अरे वाह क्या बात है, देता पूरी बिरयानी। भाई फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है ठीक है, वैसे भी तुझमें से बदबू आती है। भूतनी आ गई। हाँ जरूर इस वक्त अंजलि आई होगी, पूरे 11 बज गए ना इसीलिए। अंजलि अंजलि को भूतनी के बारे में मत बताना, डर जाएगी। लेकिन उसको हमारे बारे में जरूर बताना। अरे चुप रहो। हाय अंजलि, उस दिन कहाँ गायब हो गई थी? प्लीज कम, वड़कम। ये टावल लेकर क्यों घूम रहे हो? बस मैं नहाने ही जा रहा था। आज मैं दिन में दो बार नहाता हूँ, प्लीज आप। क्रिएटिव टीम कहाँ है? सो रहे हैं। जाग गए। हाय हाय। हेलो हेलो, लगता है आप लोग कहीं जाने की तैयारी में थे। तुमसे मिलने के लिए तैयार हुए हैं। कल सत्या ने तुम लोगों के बारे में बताया था। बैठ कर बातें कर देना। सेंसर को क्या? इसकी तो कमीना। घर में दो डेंगू के मच्छर घूम रहे हैं। तो हम दोनों हो मनोहर जी के दाएं बाएं। आज का प्रोड्यूसर मनोहर मनु लाल था, हमसे मिलने के बाद प्रोड्यूसर मनोहर बना। उसका पूरा नाम पता है क्या? सी आर मनोहर। हमसे मिलने के बाद वो करोड़पति बना, सी आर मनोहर। अब अंजलि, बाय द वे ये पीके और डीके हैं। तुम दोनों सत्या को एक मौका क्यों नहीं देते? क्यों नहीं, इंडस्ट्री को सत्या की जरूरत है। अरे ये तो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। इसी बात पे याद आया, कॉफी पियोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा अंजलि, तुम्हें कॉफी बहुत ही पसंद है ना? सत्या ने बताया था। या आई जस्ट लव कॉफी। कॉफी बनाना हमारा खानदानी पेशा रहा है। ओके, तो तुम तीनों जाकर कॉफी बनाओ, मैं बताऊंगी कि किसकी कॉफी बेस्ट कॉफी है। ओके, जीतने वाले को प्राइज मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स तारीफ मिलेगी। और नहीं पसंद आई तो गाली खाओगे। भैया बनाते बनाते किधर किधर। अरे ये ये लो कॉफी रेडी। बहुत अच्छी। मैंने बनाई है। सुपर। सत्या, ये जरूर तुमने बनाई होगी। थैंक्स। रियली नाइस। थैंक्स थैंक्स। और उसके बाद उड़ गए। ओह क्या बात है, मेरा भी गर्मा गर्म कॉफी पीने का मन कर रहा है। फिर आगे क्या हुआ? सर मेरे हीरो ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो कॉफी बनाई। अगर मैं कॉफी बनाऊंगा तो लगेगा प्रोड्यूसर की चमचागिरी कर रहा हूँ। अरे रे 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 रे, तुम्हें कॉफी बनाने के लिए क्यों कहूंगा मैं, तुम भी हद करते हो। सुनो दो फिल्टर कॉफी लेके आओ, और हाँ कप बड़ा हो तो दो चम्मच चीनी, और अगर छोटा हो तो वो सब छोड़ो, तुम कॉफी और चीनी अलग अलग लेके आओ। एक एक डायलॉग पे काम किया है सर। सारे फाइनेंसर इतनी शिद्दत से सुनते तो कितना अच्छा होता ना। पैशन, अरे पैशन इज द की यार। ओके तुम बोलते रहो, कंटिन्यू। सर वो लड़की हर रात को एग्जैक्टली 11 बजे लड़की आती है और हीरो से ऐसे ही कॉफी बनवाती। जैसे ही हीरो मनोहर के ऑफिस में जाता है ठीक वैसे ही वो अपनी कहानी को लेकर प्रोड्यूसर से मिलने जाता है। लेकिन एक रात को फिल्म मस्त थी ना? हाँ यार बहुत कड़क थी। ये बताओ भूतनी के लिए चिकन बिरयानी रखी थी कि नहीं? हम भले भूखे मर जाएं लेकिन भूत को भूखा नहीं रख सकते। अरे बिरयानी चट करके खर्राटे मार के सो रही होगी, हड्डी भी चबा गई होगी। चल देखते हैं, शांत रहे। चलो चलो चलो, जाते समय दरवाजा नहीं बंद किया क्या? चिकन की टांगे तोड़ रही है। सॉरी मैं बिना पूछे अंदर आ गई। असल में मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी, तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, मुझे भूख लगी थी और यहाँ बिरयानी रखी थी तो। कोई बात नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। भूतनी को क्या खिलाएंगे? क्या कहा?
किसे? कुछ नहीं, वो फ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। गुफ्तगू करो, मैं कॉफी बना के लाता हूँ। सत्या, एक सेकंड। ये तुम्हारे लिए। क्या क्या है इसमें? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा बर्थडे हमको बताया नहीं, ये गलत है। चल चलो, कोई बात नहीं। विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। इट्स ओके बॉस, अपने फिल्म रिलीज होने तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने की कसम खाई थी, मेरी कसम टूट गई। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? कुछ खास लोगों की सारी डेट्स याद रखती हूँ। कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, तुम्हारे लिए मैं अच्छी सी खीर बना के लाऊंगी, ठीक है? बर्थडे में खीर? बर्थडे में खीर नहीं तो क्या लौकी की सब्जी बनाएगी? हम मेरे लिए बना रही है। बाय 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 बाय। आना 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 आना, पक्का आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम 10 बजे आऊंगी, तैयार रहना, ठीक है? अरे मैं तो अभी से तैयार हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे यार। थैंक यू दोस्त। तू जल्द से जल्द बड़ा राइटर बन जाए। थैंक्स यार। तेरे सारे सपने पूरे हो जाए। तेरे मुंह में घी गुड़। अच्छा, मैं बैंगलोर जाने वाला हूँ, तू साथ में चलेगा क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। क्यों रे, कोई लड़की का चक्कर है क्या? क्या करेक्ट गेस किया है, बस वो अब यहाँ आती ही होगी। अंजलि नाम की लड़की हर रात आती है यहाँ। एडम बम है या फुलझड़ी? अरे नहीं, फुलझड़ी उलझड़ी कुछ भी नहीं है, वो तो रायचूर से मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे बाजू में बैठी थी, उसे अपनी बहन ही समझना। मेरा रिश्ता बाद में छोड़ना, पहले उसके साथ तू अपना तो रिश्ता जोड़ ले। इन कितों के सामने पैसे मत निकालो, नोच डालेंगे। मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना। इसका तो इतना ख्याल रखेंगे जितना इसके मम्मी पापा ने नहीं रखा होगा। चल मैं चलता हूं। बाय दोस्त, संभाल के जाना। उसे बताने की क्या जरूरत थी, अब तुम्हें भूखा मारूंगा, कुछ नहीं खिलाऊंगा। अरे गुस्से में लाइफ का फैसला नहीं लेते भाई, इसको समझाया था, कुछ भी बड़बड़ मत करे अभिषम। ठीक है, जरूर अंजलि होगी। आ गई। वेलकम। इस घर के नए किरायेदार तुम हो? जी हाँ। ये पकड़ो। क्या है इसमें? अपने काम से काम रखो। हाँ? साहब ने कहा है बंद कमरे में रखना है। हाँ, ये लो चाबी। बंद दरवाजे की चाबी? कुछ और नहीं क्या? इसमें खोल के देखते हैं ना। घर के मालिक का सामान है, देखना मत। खोल के देखते ना एक बार। हाँ? शगुन में खाना नहीं भेजा, देख के क्या करोगे? सही बोला। दरवाजा बंद कर दो नहीं तो चोर आ जाएगा। अरे मैं उधर क्या रहा है? कौन है मैं हूँ। खुद को देखकर डर गया भूत कहीं का। अंजलि की फोटो? अंजलि? ऐसे क्या देख रहे हो, हार्ट अटैक आ जाएगा ना? इस कमरे को खोलने से मना किया था ना मैंने आपको। वीरू, पुलिस वाले आए थे, कमरे की चाबी दी और कहा इसे अंदर रख दो, मैं क्या करूं उसमें? एक बात बताओ मुझे, अंजलि का इस घर से आखिर क्या कनेक्शन है? आप उसे कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? रोज रात को घर पर आती है, कहती है कॉफी बनाओ, हम दोनों साथ में पियेंगे। क्या वो कॉफी पीने आती है? कल रात को इसको बर्थडे गिफ्ट भी दिया। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तस्वीर वाली लड़की ने आपको बर्थडे का गिफ्ट दिया? हाँ, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना? तो मेरे साथ चलो, अभी दिखाता हूँ। चलो चलो आ जाओ। वो गिफ्ट यहीं पर था। अरे उसे हाथ क्यों लगाया? सोचा मेरे को फिट हो जाएगी। छुपा के रखा पता? कहाँ पे? तो पड़ी थी। अरे यही तो था ना उसमें, इसलिए मैंने रख दिया। इधर तो मत ढूंढिए, कुछ नहीं मिलेगा। 3 महीने पहले इसकी मौत हो चुकी है। मर चुकी है? ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ। चंद पैसों के लालच में आके मैंने आपसे झूठ बोला था। उस बंद कमरे में उस लड़की ने फांसी लगाई थी। वो रोज रात मुझसे मिलने आती है? नामुमकिन।
रोज अगर आती मुझे पता नहीं चलता, मुझे ना सही, आपके पड़ोसी को तो वो नजर आती ना। वो हमसे बैठ के बात करती थी, झूठ है वो? आप लोगों का वहम होगा। मैंने आपसे बिल्कुल सच कहा है, अब क्या करना है आप खुद सोचिए, चलता हूँ। इसका मतलब अंजलि ही वो चुड़ैल है। अब जाकर समझ आया, वो बिरयानी खाती थी, हर रात को चुड़ैल के साथ बैठकर कॉफी पीते थे। सत्या, जाके दरवाजा खोल। 10 बजे आऊंगी, तैयार रहना। क्या 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 हुआ तेरे को? अंजलि मेरा गला दबा रही थी। डीके चल 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 भागते, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बैग पैक कर गया। हाँ जल्दी पैक कर। डीके हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। देकर कहां चले गए? बचा ले ऊपर वाले, मैं बहुत डर रहा हूं, मैं क्या करूं? घंटी बजाए जा रही है, ये कंचना आज मुझे मार के पका के खा जाएगी। क्या करूं? लगता है चली गई। ये सही मौका, मैं निकल जाता हूँ। वीरू भाई, वीरू भाई, वीरू भाई, कहाँ चला गया? वीरू भाई, वीरू भाई, ये अचानक क्या हुआ? ये घर की चाबी पकड़ो, मैं चला कहीं भी रह लूंगा। अरे अरे साहब, अरे साहब, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उसी भूतनी की वजह से उस दिन मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुँच पाया। क्या मतलब तुम्हारा? कहानी जो सुना रहा था वो अब कहानी नहीं रही, मेरे साथ हकीकत में बदल रही है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ रवि साहब, ये भूतनी तो मेरे साथ फेविकॉल की तरह चिपक गई है, रायचूर से मुंबई तक मेरे साथ वाली सीट पे बैठ कर आई। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब तक जो कुछ कह रहे थे वो सब कुछ सच है। तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है उसी पर हम फिल्म बनाएंगे। इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बाय सत्या एंड हरीश चंद्र। सर, मैं यहाँ आपको अपनी ओरिजिनल कहानी सुना रहा हूँ, और बाकी जो मेरे साथ हो रहा था वो मैं आपको इसलिए सुना रहा था ताकि आप मुझ पर गुस्सा ना करें। स्टोरी को लगाओ आग, ये ज्यादा अच्छी है। ये सिर्फ इंटरवल तक है। लेकिन है कमाल। देखो सुनो, तुम एक काम करो जी, आज और अभी इसी वक्त तुम उस घर में वापस जाओ। वो क्यों? ताकि हमें आगे की कहानी मिल सके। क्या कह रहे हैं? पता लगाओ आगे उसके साथ क्या हुआ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, करोड़ों लोगों को छोड़कर वो आत्मा सिर्फ तुमसे ही बात करने के लिए क्यों आई? बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता हूं तुम्हें, तुम सच का पता लगाओ। डायरेक्टर का भूतनी के साथ उठना बैठना है, अगर ये बात पहले ही ओपन हो गई तो अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर हिट। ऐसा नहीं हो सकता, वरना मेरी कब्र भी आपको उसी के पास लिटी मिलेगी। आपकी सुनी ना तो कॉफी विद करण के बजाय कॉफी विद भूतनी टॉक शो का होस्ट बन जाऊंगा मैं। आत्मा मुझे अपनी आत्मकथा क्यों सुनाएगी? सत्या जी कहिए।
तुम उसे एक कड़क कॉफी पिलाओ। हाँ पिलाऊंगा सर। आगे की कहानी मिल जाएगी। उसके बाद मेरा दी एंड ना। मुझे कुवारा नहीं बनना सर, ये चेक अपने पास रखिए। ए तो फिर फूट यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद क्यों कर रहा है? वो क्या है कि आज तक कोई भी मेरी कहानी सुनने को तैयार ही नहीं था। आप ही ने मुझे एनकरेज किया सर। आप गुस्सा ना हो इसीलिए मुझे आपको सच बताना पड़ा। सच में देख सत्या, तो इसको रख ले। सर आपके कहने पर इस चुड़ैल का इंटरव्यू लिया ना, पिक्चर विक्चर नहीं बनेगी, दीवार पे मेरी पिक्चर टंग जाएगी। मुझे माफ कीजिए, मैं तो चला। सत्या मेरी बात सुनो। अरे तो सही, मुझे माफ करो, बाद में फोन करो। ये भूतिया फिल्म तो मैं बना के रहूंगा। शौक से जाओ, जरा मैं भी तो देखूं वहाँ क्या उखाड़ लोगे। मैं बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड का टॉप डायरेक्टर बनूंगा। एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। जमी जमाई राशन की दुकान छोड़कर बेकार के सपनों के पीछे भाग रहे हो। देखना नाक रगड़ते फिर यहीं पर आओगे और इसी दुकान को संभालोगे। डायरेक्टर बनना कोई हलवा नहीं है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। तू हमेशा सिंह चने ही बेचता रहेगा। जा रहे हैं ना। सॉरी मैं ये क्या अंधा है, अपने बाप की सड़क समझ के चल रहा है। मेरी स्कूटी भी गिरा दी, मुझे चोट लग जाती तो। सॉरी, जरा रुक तो सही, अभी बताती हूँ तुझे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये, कैसे चलते हैं। गवार कहीं के चलना भी नहीं आता। हेलो मैडम, आप अंजलि की फ्रेंड है ना? हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसका नाम गीतांजलि था और वो बहुत अच्छी लड़की थी, पर सच कहूँ तो उसने अचानक खुद को फांसी क्यों लगा ली इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। कहीं लव फेलियर का लफड़ा तो नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था, हालांकि उसका एक बॉयफ्रेंड था। उस लड़के को तुम जानती हो? नहीं, मैं तो उससे कभी नहीं मिली, पर वो फोन पर उससे काफी देर तक बातें किया करती थी। दोनों ही एक दूसरे में काफी इंटरेस्टेड लगते थे। वो लड़का भी गीतांजलि के पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहता था। वैसे उसका नाम क्या था? उसका नाम मधु था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? हाँ, तुम कैसे जानते हो? क्या उसका पूरा नाम मधुसूदन है? हाँ वही। क्रेडिट कार्ड होता है स्वाइप करने के लिए और लड़कियाँ होती है धोखा देने के लिए। मधु सही कहा, मैं प्लेबॉय हूँ, मुझे तेरी तरह इमोशंस पसंद नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस पसंद हैं। मुझे चीट किया गया है। डू समथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मधु। यार ऐसी इमरजेंसी में मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बैंगलोर का ट्रिप तो कैंसिल कर दिया था ना? मैं 2 months प्रेग्नेंट हूँ, कुछ तो करना होगा प्लीज। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, मुझे थोड़ा टाइम दो, कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम पे भरोसा ही क्यों किया? अरे जानू जानू रो क्यों रही हो, मैंने कहा ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। अरे सत्या कहाँ था तू? कमीने, कहीं के, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा? ए, किसकी बात कर रहा है तू? क्या तूने अंजलि को धोखा नहीं दिया? सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से उसने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। एक आत्मा बनकर आज भी इसी घर में भटक रही है। ओ, तो पता चल गया। क्या मतलब पता चल गया? मतलब तुझे सब कुछ पता था? हाँ, सोच जलते हुए कोयले की तरह होती है, हाथ में रखोगे तो हाथ जल जाएगा, याद रखना। चाकू, तेरे बचपन का लगोटिया दोस्तों। सत्या, तुझे मारना नहीं चाहता था, पर तुझे सच का पता चल गया। तुम मर। अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। कुछ नहीं हुआ तुझे, तू अगर डायरेक्टर है ना तो मैं एक्टर हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। पूरी दुनिया में क्या सिर्फ मेरा ही नाम मधु है? अरे इस नाम के तो हजारों लोग होंगे दुनिया में, और मैं किसी अंजलि वंजलि को नहीं जानता। वो जो 2 महीने का बच्चा लेकर घूम रही है? अरे वो जानकी है, मेरे दोस्त विनय की गर्लफ्रेंड, बेचारी प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए विनय की शिकायत करने के लिए मेरे पास आई थी। मतलब वो यहाँ तुमसे हेल्प मांगने आई थी? ये ले, उसी का कॉल आ गया। चल स्पीकर ऑन कर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सॉरी मधु, जानकी ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं उसे शादी करने वाला हूँ। क्या सच्ची? तेरी कसम, कल ही मंदिर में शादी कर रहे हैं, तुझे भी आना होगा। तुझसे पहले मैं पहुँच जाऊंगा। और कुछ बोलना है तुझे? सिंगल डबल ट्रिपल सॉरी। मतलब अंजलि नाम की तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? अरे कौन सी भाषा में तुझे समझाऊं मेरे बाप। भूत भूत नहीं है, वो मनोहर की क्रिएटिव टीम है, तुझे छोड़कर भाग रहे थे इसलिए अंदर बंद कर दिया। दरवाजा खोलो, बंद क्यों कर दिया? शिकायत कर देंगे मनोहर सर को। तुम्हारे दोस्त ने कबूतर समझ के पिंजरे में बंद कर दिया, खाना तक नहीं दिया। फुल टू इंसल्ट हुई है, मनोहर सर को जब पता चलेगा तो तेरा करियर तो गया 12 के भाव में। ऐसा मत कीजिए, अभी भी तो बताया
क्या बकवास कर रहे हो, मैं इन सब बातों पे नहीं मानता। कोई आत्मा उत्मा नहीं होती। होती है, रोज रात को 11 बजे आती है कॉफी पीने। उसे स्लो मोशन में चलते हुए देखा, तेज भागते हुए भी देखा है। मतलब कि आत्मा इसी घर में रहती है? इसी घर में। अपनी मां की कसम, तुम्हारी नानी की कसम, कोई आत्मा वात्मा नहीं है, सब तुम्हारा वहम है, मैं साबित कर दूंगा। वो कैसे? एक खास इंसान के पास ले जाके। कौन है वो? छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। रॉकेट साइंटिस्ट कम साइकियाट्रिस्ट कम तांत्रिक। वो सिर्फ एक रूह को क्या, पूरे झुंड को हिला कर रख सकता है। ये इंसान है या दिवाली का पटाखा? वो यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन। हेलो राज, शैतान राज, साइकेट्रिस्ट, प्रेत आत्माओं का तांत्रिक हूं मैं। भूत घमंडी हो या फिर नकचड़ा, भयानक चुड़ैल हो या पिशाच मैड, कर दूं कै। आपकी बहुत तारीफ सुनी है। क्या मैं बैंक फ्रॉड करने वाला मिनिस्टर हूँ या फिर साइको किलर जो मेरे बारे में इंटरनेट पे सुना? डॉक्टर साहब, रखो सब समझ गया। शीला, आपने मुझे बुलाया सर? पेशेंट के सामने थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। चाहो तो मेरी बगल में बैठ। लाइन मार रहा है सर। बात यह है, पेशेंट शुरू में ऐसे ही लाइन मारते हैं, फिर क्या होता है कि मैं उन्हें अपने इलाज से ही मार देता हूँ। ब्लड सैंपल लिया? मैंने ब्लड मांगा तो अपने घर का एड्रेस देने लगा सर। शक्ल से मोटू नटखट लगता है, इसकी खटिया मैं खड़ी करता हूँ। बाल्टी तैयार करो। मैं समझ गई सर। सर बकेट रेडी। फुल साइज की लाइन। मोटे साहब अपना हाथ लाओ। आप जोशी भी है, भविष्य देखेंगे। बहुत अच्छे। धार निकल रही है। निकाल के थक गया। सर इस ब्लड का क्या करूं? किसी ब्लड बैंक को बेच दो और पैसों को मेरे अकाउंट में डाल दो। जाओ। बोलो पेशेंट साहब क्या प्रॉब्लम है? सर पिछले एक महीने से नींद आती तो है लेकिन सिर्फ पड़ोसन के घर में। समझो तुम्हारा इलाज हो गया, एक महीने के लिए पड़ोसन को अपने घर में सुला लो। क्या बात है, अदला बदली। इसीलिए फेमस हूं मैं। सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खून लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व किया ना जी। तो ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी से फीस दो और निकलो। गो 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 गो। जाओ जाओ, दूसरे भी पेशेंट है, उनका खून चूसना है। जाओ। आज की शुरुआत अच्छी हुई। आओ बैठो। आजा दोस्त, सुबह सुबह फोन करने की क्यों जरूरत? बात ही कुछ ऐसी है। ये सत्या मेरा दोस्त। हेलो सर। हेलो सर। हाँ पीछे रखो। नमस्ते। ब्लड दिया? ब्रेड क्या, सैंडविच बना के देना। अरे वो खून यानी ब्लड की बात कर रहे हैं, खाने वाले ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। आप सब कौन हो? फ्रेंड के फ्रेंड है। बाकियों से तो कमाते ही हो ना, कम से कम इन लोगों को तो बख्श दो। तीन बाल्टी ब्लड का नुकसान हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, किस किस ने आत्मा देखी? हम तीनों ने। डॉक्टर साहब वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, खाने वाली आत्मा है। हाँ ये गबा कब खाती है, बाद में डकार भी खाती है सर। इतना ही नहीं डॉक्टर, रात को शाम 11 बजे घर का डोरबेल बजाती है, अंदर आती है और बोलती है कॉफी है क्या? या she loves कॉफी। ये डेढ़ क्षण है। समझ गया मधु। हाँ बोलिए ना। मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो, ये खुद कहेंगे यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है। आत्मा यानी हमारे फ्लैट में। ए, तू अपनी बकबक बंद कर, तभी मैं अपनी ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, समझ गया? बाहर जाओ। मधु तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। ओके नो प्रॉब्लम, सी यू गाइस, बाय। तो शुरू करते हैं। अरे सर बेल्ट निकाल रहे हैं, देखते क्या होता है। अब बताओ तुमने भूतनी को देखा? अपनी आंखों से। पक्का देखा? हाँ सर। ऐसी थी? नहीं नहीं, आपसे बेहतर शक्ल थी, इंसानों जैसी। क्या ऐसी दिखती थी? इतनी घटिया देखने वाली फिल्म की डायन भी नहीं होती सर। मैं ज्यादा बच्चों। हाँ तो मेरा इंसल्ट करता है। अभी भूतनी निकालता हूँ। अब फ्लैट में भूतनी है। हाँ डॉक्टर साहब। तूने देखी? अपने हाथ से कॉफी पिलाई सर। भूतनी तुझे देखती है? अभी निकालता हूँ। अभी दिख रही है? तेरे अंदर भूतनी है। भूतनी कहेगी निकाल। निकल, अभी भी अटकी है, निकल जा। नहीं नहीं, ये तो इसे ही मार के आत्मा बना देगा, ये डॉक्टर है या डाकू है। काले कौवे,
ट्रीटमेंट पसंद आया? तेरे फ्रेंड ने मान लिया कि उसने ना भूतनी देखी ना उसके अंदर है। अब तू बता, तेरे अंदर भूतनी है? डॉक्टर, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम जाना है? भूतनी को बाथरूम लगी? भूतनी को बाथरूम नहीं लगी। बाथरूम जाएगी? निकल, निकल, निकल के शरीर से बाहर निकल। बाथरूम नहीं जाने का, शौचालय में जाने का। निकल। अबे काले, अब आत्मा दिखाई दे रही है? तड़ियल, पतली गली से निकल रहा है? ये अन्याय है सर। क्यों कह रहे हो? मधु ने कहा था कि तुम रॉकेट बुलेट साइंटिस्ट हो। मैं तो नामचीन साइकाइट्रिस्ट हूं। साइकाइट्रिस्ट नहीं, तुम तो खुद ही पागल हो। मुझे क्या हुआ? मधु, ये झोला छाप डॉक्टर है, उस भूतनी से ज्यादा डेंजरस है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? चाहिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मत करना। इन छछुंदर के लिए तुम बेवजह इमोशनल हो रहे हो। वहम जितना बड़ा होगा उसका इलाज भी उतना ही खतरनाक होगा, समझ गए ना तुम? कैसा इलाज है? मेरा गला दबा दिया। और इन्होंने मेरे तो नाक काट। परेशान हो रहे हो, बैठ जाओ। सॉरी, मैंने थोड़ा सा तुम्हें मारा, थोड़ा सा बेल्ट से धोया, उससे कंफर्म हो गया कि तुम तीनों के अंदर कोई भूत या भूतनी नहीं। डॉक्टर, भूत हम सब में नहीं, वहाँ फ्लैट में। ये क्या कह रहे हो? मतलब भूत तुम में नहीं है? बोला ना नहीं है। फ्लैट में बोला। मतलब फ्लैट में है? हाँ। वो भूत हॉल में हो, बेडरूम में हो, किचन में हो, या टेरेस पे हो, टॉयलेट पे हो, या कमोड में ही क्यों ना बैठा हो, उस भूत को मैं खींच के निकालूंगा। चलो चल रहे। ये फोटो वाली कितनी प्यारी है। कुछ 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 डीके पीके नाइट मैच 2020 बाउंड्री के बाहर। तुम्हारे हिसाब से ये एक आत्मा है? जी डॉक्टर। मुझे तो ये मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स जैसी लगती ये है। ये मिस नहीं, मिस्टर इंडिया के मुगेम्बो जैसी है। हमारी बैंड बजा के खुश होती है। हाँ सर। इसकी तो मैं बजाऊंगा बैंड। उस चुड़ैल को मैं ऐसे टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारा चुड़ैल बनने से 10 बार सोचेगा। तुम लोग जाओ, जाओ जाओ जाओ, मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो। हाय जानेमन, हाउ आर यू? थोड़ा होशियार रहना। अरे जाओ, देख लूंगा। मुझे राय देने चला है। ऐसे कई चुड़ैले ठीक की है मैंने। कहाँ छुपी है चुड़ैल? तेरे लिए तेरी फेवरेट हैदराबादी बिरयानी लेकर आया हूँ। आजा, मैं और तू बड़े पर्दे पर फिल्म देखते हैं और साथ में बिरयानी खाते हैं। आजा, मैं तुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। अरे लाइटें बंद कर दी। लगता है इसका भी फिल्म देखने का मूड है। सुनो, लाइट ऑन करके भी फिल्म देख सकते हैं। मैं नहीं डरता, अमावस्या की रात को पैदा हुआ हूँ। शैतानी रूहें मुझसे थर थर कांपती हैं। तुम्हें तो मैं दूर से पहचान लूंगा। कहाँ हो? दिख नहीं रही हो अभी तक। तो कौन है? खाओ खाओ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, डीप फ्राई करके, चारकोप ढाबे से। मुझे अच्छी लगती है, तुम्हें भी अच्छी लगेगी। खाओ। तुम भी कर लिया। देखो, ज्यादा तेल वाला मत खाओ, भूत और डायन को भी हार्ट अटैक आ सकता है। भूल गया, तुम पहले से ही टपक चुकी हो। खाओ खाओ, जितना खाना है खाओ, साथ में रायता भी है। तुम कहो तो रायता इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा लगेगा। लाइट आ गई। ये तो सफा चट कर गई। कोई बात नहीं, भूखी भूत थी। मेरा दिमाग घास चरने गया था जो उससे पंगा लिया। अरे घंटी बज रही है, कोई उठा क्यों नहीं रहा है? हेलो, नहीं लग रहा है। क्या करूं, यहाँ से फूट लेता हूँ, निकलता हूँ पतली गली से। अरे घंटी कौन बजा रहा है? मैं निकल लेता हूँ। क्यों पंगे लिए मैंने? तुम फिर से आ गई। फिर से मतलब तुम जानते थे मैं आने वाली हूँ? हाँ, ना मतलब ना। तुम कौन हो? काफी क्यूट दिखते हो। हर कोई मुझे गधा या गेंडा कहता है, ये मुझे क्यूट कह रही है। मैं मधु का अंकल हूँ। अंकल, याद आया, वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बाहर क्यों वेट कर रहे हैं? सॉरी, अंदर चलते हैं। प्लीज आइए आइए, अंदर आइए, आप ही का घर है। आइए। सर में बहुत दर्द है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाना। वैसे आपका सिर दर्द कर रहा है? क्यों पूछ रहे? ज्यादा दर्द कर रहा हूँ तो कॉफी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। कॉफी बनाना एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। 50 ml डिकॉक्शन, 250 ml स्किम्ड मिल्क और थोड़ी सी चीनी, फिर उसे धीरे धीरे मिक्स करना।
अरे यहाँ कफन बांधने की नौबत आई है और उसे कॉफी पीने की पड़ी है। बेड़ा कर दो। फोन करता हूँ, फोन करता हूँ। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, मर गया। तुम किसे कॉल कर रहे थे? फोन कर रहा था, आंटी की तबीयत ठीक नहीं ना, इसीलिए। इतने डरे हुए क्यों हो? बिल्डिंग के पीछे एक कब्रिस्तान है ना, आत्मा अगर घर में घुस आई तो क्या होगा मेरा? आत्मा कब्रिस्तान छोड़ के यहाँ क्यों आएगी? मुझे कैसे पता होगा? बात यह है ना, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ जो भूतों को किराए पे घर दिलवाऊं हूँ। आत्माओं से डर लगता है? इतना भी फटू नहीं, नॉर्मल इंसान हूँ। थोड़ा डर तो लगेगा ही, अब कोई प्रेत आत्मा थोड़ी ना मुझसे डरेंगे। माना मैं काला हूँ, डर। कहाँ हो? मैं हॉल में बैठी हूँ अंकल। वो तो वहाँ बैठी है, तो पीछे से मेरे साथ बात कौन कर रहा था? यहाँ तो सब कुछ झोलझाल है। कॉफी पिला देता हूँ। मैडम, कॉफी पीते पीते टीवी देखने का मजा ही कुछ और है। ओके। अरे कितनी भली आत्मा है, किसी चीज के लिए मना नहीं करती। कॉफी बनाने में एक्सपर्ट हैं। घर पे बीवी के लिए भी मैं ही बनाता हूँ। साइकियाट्रिस्ट शैतान राज हमारे साथ हैं। डेयर डेविल शैतान राज जी, सुना है आप खतरनाक भूतनियों को चाबुक मार के भीगी बिल्ली बना देते हैं? उन्हें सिर्फ हैंडल नहीं करता, मैं सैंडल से मारता हूँ और उनकी बाद में बैंड बजाता हूँ। चुड़ैल हाथ लगते ही उसे वॉशिंग मशीन में डालता हूँ, गोल गोल घुमाता हूँ और उसकी बहुत धुलाई करता हूँ, फिर पतंग बनाकर उड़ाता हूँ। सच में सर, कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन डरपोक भूतनी से पूछो। सच में भूतनी की पिटाई की है? कोई बात नहीं है, भूतनी से मेरी क्या दुश्मनी है, मुझे तो भूतनी बहुत प्यारी लगती है। पॉपुलैरिटी पाने के लिए थोड़ी बहुत फेकोलॉजी तो करनी पड़ती है हमको। वैसे काफी भूतनिया मेरी फ्रेंड है, उनको रात को सुलाता हूँ और लोरिया भी गाता हूँ। आपको पता है मुझे भूतनिया बहुत पसंद है, मैं उनके लिए घर पर टेस्टी बिरयानी बनाता हूँ, आपके लिए भी बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। भूतों की इज्जत करता हूँ, वो भी मेरी इज्जत करते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी 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 ठीक है। दिल की धड़कनें 10 मिनट के लिए रुक गई। मेरा मोबाइल कहाँ रखा मैंने? किचन में भुलाया, जाकर देखता हूँ। उस चुड़ैल से दोस्ती हो गई, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सुबह से ना तो डॉक्टर ने कुछ खोला है और ना ही कुछ बंद किया, मतलब आंखें और मुंह। आंखें तो फटी पड़ी हैं। नर्स, इसकी रियल कंडीशन बता सकती हो? नहीं। कब से नर्स लाइन में हो? मैंने 2 साल से लाइन मार रही हूँ। मधु, ये पेशेंट से ज्यादा ख्याल शैतान डॉक्टर का रखती है। पक्का ये आत्मा को देखकर पार्ट टाइम कोमा में चला गया। तुम्हारा नाम क्या है स्वीटी? शीला। अपने गंदे हाथ हटाओ। चुप करो अंकल, उठिए ना प्लीज। शायद पैरालिसिस अटैक आया। डॉक्टर, तुम्हारे रिपोर्ट में हमारी जिंदगी टिकी है, उस घर में आत्मा है, ये हमारा वहम है। आत्मा तो गई, ये भी गया, अब आत्मा आएगी और हम लोग जाएंगे। नो डाउट, हमारी लाइफ पे स्टॉप लगेगा। होश में आके तसल्ली दे दीजिए। ए मधु, आज ही फ्लैट खाली करते है ना? आज नहीं, ऑफिस में लीव डाल के मैं खुद यहाँ पर रुकूंगा। अगर सच में कोई डरने की बात निकली तो हम लोग ये घर कल खाली कर देंगे। चलो चलते हैं। ए, मौके का फायदा नहीं उठाने का, चलो। चल, जहाँ देखो समाज सेवा करने लग गए। आपने डॉक्टर की हालत देखी ना, अब अंदर जाके आत्मा दर्शन कर लो। हाँ, इसे अकेले जाने देते हैं, हम बाहर पहरा देते हैं। अब जल्दी चलो। हाँ, तुम्हारी गलत फहमी आज रात दूर कर दूंगा मैं। चलो, अरे बाहर क्यों खड़े हो तुम लोग? अंदर आओ, अंदर। मुझे मत खींचो। कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना। अरे सब लोगों का वहम है, कुछ नहीं। आओ, ठीक है, आ रहा हूँ, आ जाओ। Oh,
अभी तक वो सारे नमूने आए क्यों नहीं? अरे यार कहाँ मर गए? आ जाओ। क्या कर रहे हो? वो इडियट कालिया एक नंबर का फट्टू है। वो खुद इतना डरावना है कि उसे बाथरूम में देख के मैं ही डर गया था। ए, उस दिन तू सुसु करने गया था ना बाथरूम में, वो तेरा चेहरा देख के डर गया था, समझा क्या? भूख लगी है, बिरयानी कहाँ है? यहाँ तो फ्रूट्स रखा है, आज इसी से मैनेज करना पड़ेगा। आज मैं सबकी बैंड बजाऊंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा, ये मेरा घर है इसे कोई नहीं ले सकता, मैं ही इसका मालिक मैं ही इसका किराएदार। कोई भी किराएदार यहाँ आया तो मैं उसे मार दूंगा, उसकी बिरयानी बना के खाऊंगा। सर कितना मारेंगे सर? ज्यादा मार दिया तो मैं बल्ब की तरफ फ्यूज हो जाऊंगा। अरे नौटंकी के भूत, पाँव में पायल बांध के चंद्रमुखी बन के घूम रहा है, हमारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर चट कर रहा है, इसलिए पंगे बना रहे तू। हम खुद गोस्ट राइटर हैं, गोस्ट बन के तू हमें डरा रहा है, तुझे काट खाएंगे। अबे तुझे असली भूत समझ के हम लोग फ्लैट खाली करने वाले थे। सर थोड़ा रुक जाइए सर, पहले मैं एक रूम के फ्लैट में रहता था, वो भी मकान मालिक ने मुझसे खाली करवा दिया सर। यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था, यहाँ कोई रहने के लिए तैयार ही नहीं होता था, इतना बड़ा घर मैंने कभी देखा ही नहीं था। इस घर में रहने के लिए मैंने सोचा, ब्रोकर जब किसी को ले आता तो मैं भगा देता, बिना रेंट के आराम से रहता हूँ यहाँ। तुम लोगों को भगाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया है। तुम लोग की बिरयानी खाया करता था ताकि तुम लोग डर के यहाँ से भाग जाओ। देखो पहले मेरा सिक्स पैक था, यहाँ के फैमिली पैक हो गया। देखा ना सच्चाई कुछ और ही थी, बोला था आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। अरे इस चूजे को भूल जाओ, रात को टन्ने करके डोरबेल बजाती है, मुझसे कॉफी बनवाती है, उसका क्या? हाँ हमने भी उसे देखा। डीके डीके क्या हुआ, आ गई तुम्हारी कॉफी वाली भूतनी? ए दरवाजा खोलना। मैं तो भूत हूँ, मुझे किस चीज का डर? ये तो उसी लड़की की आत्मा है शायद। ओ हेलो हेलो हेलो, मैं कोई भूतनी भूतनी नहीं हूँ। मैडम सुंदर भूतनियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुप कर, बकवास बंद कर, आत्मा देखती हूँ, चल निकल यहाँ से। थैंक यू मैडम, दोबारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा मैडम, सच कह रहा हूँ मम्मी के साथ। नकली भूत भाग गया, असली डायन के हाथों मरने के लिए हमें छोड़ दिया। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमसे दूरी रहो तो हम तुम्हारा फ्लैट खाली कर देंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं क्या आत्मा दिखती हूँ? हमें पता है तुम ही आत्मा हो, हमने तुम्हारी फोटो देखी है, तुमने सुसाइड किया था ना? वो मेरी बहन थी। बहन थी? हम दोनों एक छोटे से गाँव से थे, मैं और गीतांजलि दोनों जुड़वा थी, बचपन में ही हमारी माँ चल बसी थी। पिता ने इतना प्यार दिया कि माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। मेरी बहन बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सिंपल नेचर की थी, बिल्कुल एक गाय की तरह। मैं उससे बहुत ही अलग थी, हमेशा उसे तंग करती, उसे छेड़ती रहती थी, अपनी बहन की परछाई बन के रहती थी। उसके साए में मैं बड़ी हुई, हमारी हस्ती खेलती जिंदगी में ना जाने किसकी नजर लग गई। हायर स्टडीज के लिए मुझे US जाना पड़ा। कुछ ही दिन बाद मेरी बहन को मुंबई में जॉब मिल गई। जब मैं US में पढ़ाई कर रही थी, मुझे उसके मरने की खबर मिली। मैं इंडिया वापस आ गई। पापा, पापा, क्या हुआ मेरी बहन को? मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही, काश एक मजाक हो, जब मैं लौटू तो वो सामने खड़ी मिले। पापा बेटा क्या बताओ, और उसी पल मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने बहन के खूनी को ढूंढ के ही रहूंगी। यहाँ मुंबई आते समय मैं तुमसे बस में टकरा गई। जब मैं बहन के फ्लैट पर आई तो तुम्हें देखा, तुमसे कॉफी बनवाई ताकि मैं घर में कोई भी क्लू ढूंढ सकूं, और इसी वजह से यहाँ बार बार आती रही, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला।
मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे कोई तो क्लू मिले, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अपने कुछ दोस्तों की मदद से मैंने पुलिस के रिकॉर्ड्स भी चेक करवाए। अंजलि, तुम्हारे सिस्टर की एक फ्रेंड से मिला, उसने बताया कि तुम्हारी बहन का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम मधु है। जानती हूँ, उससे मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हो? कहाँ? जेल में। ओ जेल, जेल! ये जानने के लिए कि वो जेल क्यों गया, मुझे तुम्हें उसकी पूरी कहानी बतानी होगी। गीतांजलि और मधु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं पापा से मिलके उन दोनों की शादी की बात करना चाहती थी। मधु की फैमिली गीतांजलि को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मधु और गीतांजलि अपने फ्यूचर को लेकर सुंदर सपने सजाने लगे थे, तभी जिंदगी ने एक करवट ले ली। गीतांजलि जिस कंपनी के लिए काम करती थी उसके बॉस का बर्थडे था। हे, बॉस आ गए क्या? हाँ, बस किसी भी वक्त आते ही होंगे। उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली जॉब ज्वाइन करने के बाद पहली बार उनसे मिलूंगी इसलिए। वो देखो आ गए। क्या बात है सर, हैप्पी बर्थडे सर। ये सब इंतजाम किसने किया? नई एम्प्लॉय गीतांजलि ने, उसने किया। गीतांजलि? वो वहाँ है सर। Happy birthday to you, sir. Thank you. Thank you. Fantastic. Fantastic. Fireworks ka jawab nahi. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Uske baad. गीतांजलि। बैड, वेरी बैड। क्या हुआ सर, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? गलती नहीं, गुनाह हुआ है। जरा इन लड़कियों को देखो, पूरा दिन अनाप शनाप शॉपिंग करके फिर ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना मेकअप करा के पूरा टाइम वेस्ट किया। और जस्ट लुक एट यू, बस एक साड़ी में लिपटी हुई हो। लेकिन खूबसूरती की मूरत लग रही हो तुम, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अच्छा, तो ये बात थी, मैं तो बहुत डर गई थी सर। एक्चुअली मुझे थोड़ा सिंपल रहना पसंद है। ओ, तुम्हारी ये जो सादगी है ये मेरे दिल में घर कर गई। सॉरी, सच कह रहा हूँ, आई मीन इट। अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कातिल खूबसूरती नहीं देखी, और यही वजह है मैं अब तक कुंवारा हूँ। ये तो मुझसे शादी करोगी? तुमने बिल्कुल सही सुना है। Will you marry me? कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं। तुम्हारी हाँ की देर है, इसी वक्त सबके सामने इसी पार्टी में माइक पर उसका ऐलान कर दूंगा। प्लीज। सॉरी सर, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अपने पापा से बात करके बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ, उसकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी किस्मत, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। जरा सोचो, कितनी सारी कंपनियों का इकलौता मालिक हूं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हर कंट्री में मेरा कारोबार है। आज तुम जिस कंपनी में नौकरी कर रही हो ना, कल तुम उसी की ओनर बन सकती हो। व्हाट डू यू से? नहीं सर, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे मेरा मन चाह मिलने के बाद ही खुशी मिलती है। इसे खुशी नहीं कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। गीतांजलि, चलो एक काम करो, जिस लड़के से तुम्हें मोहब्बत है तुम उस लड़के से शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपनी फर्स्ट नाइट बस मेरे साथ गुजार लेना। देख लूंगा।
शांत हो जाओ गीतांजलि, हमारी सोसाइटी ऐसे नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी मधु, पर पार्टी में जिस तरह की उन्होंने मेरे साथ हरकत की वो मुझे बहुत घिनौनी लगी। मैं जॉब छोड़ दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है? तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी, तुम्हें बस अप्लाई करना होगा। ओए, मेरी गुलाब की पंखुड़ी को तोड़ के ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? बड़ी मुश्किल से मुझे कोई चीज पसंद आती है, और अगर पसंद आ गई तो वो हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। गीतांजलि, अगर तुम्हें ये पसंद है तो फिर मुझमें क्या बुराई है? इस चपड़गंजू और मुझमें फर्क दिखाई नहीं देता? एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ तुमसे, तुम औरतों को क्या पसंद आता है? फिजिक, नशीली आंखें या मर्दाना आवाज? मेरे पास सब कुछ है जाने मन, तुम ही बताओ ना क्या कमी है मुझमें। ओ, 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 ओ। अच्छा वो चीज तो आजमा लो मुझे। गीतांजलि, एक मिनट, उसमें भी मैं एक्सपर्ट हूं। फूल और तितली के बीच कोई कीड़ा आ जाए तो उसे मरना पड़ता है, और ये कीड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए इसे मरना पड़ा। तू तो वो फूल है जिसकी खुशबू सिर्फ मैं ही लूंगा, हमारे बीच इस कांटे की कोई जरूरत नहीं है। ए, चल, 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 अंदर चल, चल, अब तू सिर्फ मेरी है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चल, चल, छोड़ो मुझे। चुप, छोड़ो, मधु, जाने दो मुझे, मधु, मधु, छोड़ो। लड़की की भी कोई इज्जत होती है, मसलने के बाद उसे जिंदा छोड़ना चाहिए क्या? नहीं बॉस। बढ़िया, तो जाओ। रवि चंद्रशेखर के पास फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर है, मधु को गुनेगार साबित कर दिया गया है, कानून और समाज दोनों को गुमराह किया, और बहुत जल्दी कोर्ट मधु को फांसी की सजा सुना देगी। बेचारा मधुकर तो बेगुनाह है। मेरी मासूम बहन को बिना वजह मार दिया गया, और मेरे पिता इस दुख में बीमार हो गए हैं। एक निर्दोष बलि चढ़ेगा और असली गुनेगार खुलेआम घूम रहा है, क्या ये न्याय है? नहीं मैडम, कमीने को सबक सिखाना पड़ेगा। वो आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है, हम लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? ऐसा है तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बदला लेने वाली बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिससे प्रूव हो जाएगा कि गीतांजलि का मर्डर रवि चंद्रशेखर ने किया। फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा लिखूंगा कि रवि को अपना जुर्म कबूल करना होगा। ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि पूरी इंडस्ट्री मेरे टैलेंट की कायल हो जाएगी। सही कह रहे हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी से न सिर्फ तुम्हें हिट मिलेगी बल्कि उस पापी को सजा भी मिलेगी। उसके लिए मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए। अंजलि, इस फिल्म की लीड कैरेक्टर तुम होगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं जरूर साथ दूंगी। मैं भी दूंगा। मैं भी। एक्शन! मुझे इसमें मत घसीटो, मेरे घर में तुम्हें घुसने किसने दिया? निकलो यहाँ से। चुप रहो। अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं उस भूतिया बंगले में कभी नहीं जाऊंगा। डॉक्टर, वो भूतनी हमें दिन रात परेशान कर रही है। डॉक्टर, हाँ हाँ, आपके बिना उसे भगा नहीं पाएंगे। प्लीज, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, कोई तांत्रिक नहीं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, ऐसे क्यों डर रहे हो? हम तुम्हें भूत नजर आ रहे हैं क्या? पीछे मुड़ कर देखो, पीछे मुड़ो ना तुम लोग। पिज्जा बॉय आया होगा। पीछे कोई भी नहीं है, देखो पीछे मुड़कर। अरे वापस देखिए, कोई नहीं है वहां पर। कोई दिखा? कोई भी नहीं है। हाँ, आपका वहम है। मेरा वहम है? हाँ, मुझे लगा आप लोगों ने आत्मा को वापस बुला लिया। हम ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ?
अब क्या हुआ, आंखें बटाटे क्यों हो गई सर? अब ये मत कहना कि उस घर से आत्मा निकल के इवनिंग वॉक के लिए इस घर में आ गई। वो आत्मा मेरे ठीक सामने बैठी है सोफे पर। आपका बेल्ट से इलाज करो। मेरे सामने तुम्हारे साथ मजाक करेगी, ये मेरी फ्रेंड ही है। हम भी पहले डर गए थे डॉक्टर, ये अंजलि है, गीतांजलि की जुड़वा बहन। डाउट हो तो टच कर लो सर। डाउट था क्योंकि आत्मा साड़ी में आती है, ये तो माइक्रो मिनी में आई हुई है ना। आत्मा नहीं हो सकती। यहाँ आने की वजह क्या है? अरे वो तो सचमुच पापी है, सच में ऐसा किया उसने? हाँ डॉक्टर, उसे ऐसे ही मरने नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। उसे सजा देने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। क्या? अरे आने वाले मरीजों का मैं खून निकाल के चूसता हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता। सुनो, मैं साइको नहीं हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। सर आप हमारा मतलब नहीं समझे। ऐसा मतलब? हम भी तुम्हारी तरह अंजलि को आत्मा चुड़ैल समझते थे, ठीक वैसे ही वो भी इसे गीतांजलि की आत्मा समझेगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अरे मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, रविचंद्र शेखर को इसकी भनक भी नहीं है, इसकी मदद से रवि को डरा के सच बोलने पे मजबूर कर सकते हैं। हाँ, अंजलि क्या करेगी ये बताने के बजाय मुझे क्या करना है ये बताओ, जल्दी करो। मैं देखिए सर, आत्मा लोगों की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझती है, ये सब अंजलि को सिखा दीजिए, वो चंद्रशेखर को अपने शीशे में उतार सकती है। अरे तुम तो डायरेक्टर हो, खुद क्यों नहीं सिखाते? भूत का सीन एक तांत्रिक ही सिखा सकता है। वो तो है। क्या बोला सर? लाइफ में आपका साइको आत्माओं से पाला पड़ा होगा ना, प्लीज इसे सिखा दीजिए। तुम बदला लेने का प्लान रेडी रखो, मैं अंजलि को एक्टिंग सिखा। अभी रिहर्सल शुरू करें। इसमें आत्मा एंटर हो रही है। बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर लेना अंजलि। शुरू करें। सीरियस। ओह सॉरी, एक मिनट में लेट। ओके। चुड़ैलों की एक्टिंग सीखने के लिए तुम्हें आत्मा और चुड़ैलों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आत्मा कौन है? हम दोनों में से। मैं तो आत्मा का टीचर हूँ और तुम्हें एक आत्मा के अच्छे से एक्टिंग करनी है, उसके सारे गुण मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ सकती हो। अंकल, आत्माएं हमेशा सफेद कपड़े ही क्यों पहनती हैं? अंकल एक्चुअली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आत्माएं हमेशा रात को निकलती हैं, लोग उन्हें पहचान सके इसीलिए वो सफेद कपड़े पहनते हैं। पर अंकल, एक सवाल का बस एक ही जवाब मिलेगा, आगे पूछो। अंकल, फीमेल आत्माएं पैरों में पायल पहनती हैं, तो फिर मेल आत्माएं? मर्द कभी पायल नहीं पहनते हैं, वो लोगों को डराने के लिए अपनी बॉडी खुजाते हैं, लोगों को डराते हैं। क्या? हेलो, मेरी एग्जाम ले रही हो? तुम्हें काफी कुछ मैंने सिखा दिया है, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप, लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जब भी कोई आत्मा कहीं पर जाती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी चाल दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग ही होगी, और लोगों को डराने के लिए वो कुछ ऐसा करती है। मैंने सैंपल दिया, अब तुम करो। बेबी ने डायपर ना पहना हो तो ऐसी शक्ल बनाता है, समझी? थोड़ा माहौल को गर्म करो, थोड़ा डेंजर और हॉरर का कॉकटेल होना चाहिए, ऐसे। तुम करो। ये बकरी की तरह आवाज मत निकाला करो, थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा आवाज में वजन लाओ, ट्राई करो। ऐसे नहीं, इंसान की फटनी चाहिए। ये कैसा लगा, ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक है, वैसे आवाज पतली है, ऐसे पूछो ठीक है। ये ठीक है ना? परफेक्ट है, अब प्रैक्टिस करो। सर नमस्ते। अच्छे, बहुत अच्छे, तुमने अपना फैसला बदलकर बहुत अच्छा किया। लेकिन मैंने अपना सपना नहीं छोड़ा, बिना मकसद के एक डेड बॉडी जैसी फीलिंग आती है। जैसा कि आपने कहा था, मैं उस फ्लैट में वापस गया सर, आत्मा के साथ रहकर कहानी पूरी कर रहा। गुड, मुझे मालूम था तुम एक टफ डायरेक्टर। शुक्रिया सर। वैसे उस आत्मा ने कहा क्या? सर कोई कल्पना भी ना कर सके, कहानी को ऐसा भयानक ट्विस्ट दिया। वो क्या? लड़की के बॉस ने उसका बलात्कार किया था। वो एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का ओनर है। इतना ही नहीं सर, उसने बलात्कार ही नहीं किया, उसके बॉयफ्रेंड को रेप एंड मर्डर केस में फंसा भी दिया। वो तो गया, बहुत जल्द सूली पर लटकने वाला है। जब उस रू ने इतना सब कुछ बता दिया है तो रेपिस्ट का नाम भी बताया होगा। आज रात को ही पता चल जाएगा सर। और यही सीन बनेगा हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स। गुड गुड।
आज मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। हाँ क्यों नहीं, आपको तो आना ही है। आई मीन आप प्रोड्यूसर हैं, अगर आप आएंगे तो बजट और सब्जेक्ट का आइडिया अच्छे से लगेगा। नहीं ओके। वैसे ये कहानी तुमने किसी और को सुनाई है? हाँ बोलो। नहीं सर, आप मैं और वो आत्मा ही जानती। बढ़िया, अगर कहानी वायरल हो गई तो फिर ये फिल्म नहीं बनेगी। ठीक है तो मुझे आज्ञा दीजिए। आज रात ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए। हाँ हो जाएगी। ओके मिलते हैं। अंजलि का फोन। अरे वो अंकल आ गए। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। गोल्ड माइन टेक्नोलॉजी, घर के हर कोने में सीसीटीवी फिक्स कर दिया है। आज उसे पकड़कर उसकी माँ की आग कर देंगे। राइट। उस उल्लू से सच उगलवा के उसे सीधा जेल पार्सल कर देंगे। ऐसी परफॉर्मेंस देगी कि भूतनी वापस आने की हिम्मत। डॉक्टर, जिस लड़की ने ये प्लानिंग की है वो अब पीछे क्यों हटेगी? पीछे हटने की बात ही नहीं है, उसे मैं पूरी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। कहीं आपने उल्टी सीधी हरकत नहीं की ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछ? कुछ और ट्रेनिंग तो नहीं दी ना? बकवास करता है। ए समझाओ इसे, वरना मैं जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज रुक जाइए, बुरा मत मानिए प्लीज। अरे एक बार आने दो उसे, उसकी परफॉर्मेंस देख के डर कर उल्टी आग कर दोगे तुम लोग। जल्दी बुलाओ। अंजलि का फोन आउट ऑफ रीच बता रहा है। रह गई वो। ये नेटवर्क भी। हाँ पायल की आवाज आ गई। अंजलि कम ऑन द स्टेज। तुम्हें कब आने को कहा था? टाइम की कोई कीमत नहीं है? देखा, अपने टीचर से भी लेट आती है ये। और ये क्या पहनकर आई हो? तुम्हें मैंने व्हाइट साड़ी पहनने को कहा था, काली साड़ी में एकदम चुड़ैल जैसी लग रही हो। फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, कंटिन्यूटी मैं देख लूंगा। व्हाइट या ब्लैक का कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। इधर आ, सारा डायरेक्शन तू ही दे दे, मेरा क्या काम? मैं यहाँ से जाता हूँ। ये सीन तो आप ही डायरेक्ट करेंगे। मुझसे डायरेक्शन करवाना है तो अपनी चोंच बांध रख। समझ गया। टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? चलो डेमो दो जल्दी। आत्मा डेमो नहीं दिखाती, सीधा मार डालती है। मैडम कैरेक्टर में घुस गई है, एक सेल्फी तो बनता है। कोई बोल ही नहीं सकता, तुम भूतनी नहीं हो, पूरी चुड़ैल लग रही हो। ए, इतना भी इंसल्ट नहीं करते। मैडम जी, अगर उस झिंगुर के सामने आपने ऐसी एक्टिंग की ना, तो वो पेंसिल लिख के और पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके अपना पाप कन्फेस कर देगा। क्या बात है अंजलि, डॉक्टर साहब ने क्या कमाल की ट्रेनिंग दी। ज्यादा ही कुछ ट्रेन कर दिया, इसे देखकर मुझे भी डर लगने लगा। सुनो, मान लो कि तुम्हें देखकर यहाँ से कोई भागने लगा, तो तुम तेजी से उसे कैसे पकड़ोगी? स्पेशल इफेक्ट कभी सीख लिया इसने? उसका बाप भी मुझसे भाग के नहीं निकल सकता। ज्यादा ही ओरिजिनल एक्टिंग कर रही हो, पूरी गीतांजलि लग रही हो। गीतांजलि बहुत अच्छा सिखाया अंकल। काका आपको तो एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग देनी चाहिए। फैंटास्टिक। ट्रेनिंग में ये सब मैंने नहीं सिखाया था, ये तो ट्रेनिंग के बाहर का है। क्या है ना कि पागलों और आत्माओं के बीच में रहकर आप कंफ्यूज हो गए, कोई नई बात नहीं है डॉक्टर। लगता है वो प्रोड्यूसर रवि आ गया, जाकर अंदर छुप जाओ। गो गो गो, डॉक्टर योल्सो को। मुझे अलग रूम चाहिए। तो क्या अलग फ्लैट बुक करूं तुम्हारे लिए? जल्दी जाओ, रूम में एसी तो है ना। कूलर है ना। अंजलि बहुत सॉलिड एक्टिंग की है, बस यही मूड बनाए रखना, एकदम डरना मत, उसके आने के बाद एंटर करना, छुप जाओ। ऑल द बेस्ट। वेलकम सर, रवि चंद्रशेखर पधार चुके हैं। आइए। कहाँ है वो तुम्हारी रूह? आइए, इतनी जल्दी भी क्या है, इंसान लेट होता है लेकिन आत्माएं बिल्कुल टाइम पर आती हैं। आत्मा जी एंट्री हो गई, अपनी आंखों से देख लीजिए।
मैडम ये है मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर। तू बता कैसा है तू? अरे इन्हें पहले से जानती है। अरे मैडम आपने मुझे बताया नहीं। चल बोल जवाब दे, तुझसे कह रही हूँ। सर जी आप चुप क्यों हैं? आप कहीं डर तो नहीं गए? आप दोनों का झोल समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आत्मा बनने से पहले दोनों एक दूसरे को पहचानते थे क्या? पहचान की बात नहीं, हम दोनों के बीच एक कनेक्शन है। सही कहा कि नहीं? मेरी मौत की वजह ये सामने बैठा शख्स है। बोल। सर हमारी कहानी में लड़की का रेप करने वाला एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ओनर है, कहीं आप वही तो नहीं है ना? होठों पे फेविकॉल चिपका के आए हैं क्या? गुनाह कबूल करते ही आत्मा चली जाएगी, बोलिए ना सर। मैडम गौर से देखिए, यही है। सांप सुन गया क्या? क्राइम कन्फेस करो, टाइम नहीं है सर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी बुलवाता हूँ इनसे। फ्लास्क में एक टॉनिक है, उसे पीते ही सच की उल्टी करने लगेंगे। क्या सर पिस्तौल किस लिए? सच मैं नहीं तू मेरे सामने बोलेगा। मेरा मुंह खुलवाने के लिए मेरे साथ चाल चल रहा है? ओए, इतने दिनों से मुझे मेरी ही कहानी सुना रहा है तू? एक जिंदा और जवान लड़की को रू कह रहा है तू? मुझे फंसा के एक रियलिस्टिक हॉरर फिल्म बना रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, वो सच में एक आत्मा है। सुन, तुझे अपनी फिल्म में हीरो लेने के लिए मैं तैयार हो गया था, लेकिन तू तो मुझे उसी फिल्म का विलन बना रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। तुझे मैं पागल दिखता हूँ? मैं जानता हूँ गीतांजलि की एक जुड़वा बहन है, दोनों की शक्लें मिलती जुलती है, उस बात का तू फायदा उठा रहा है? मैं तो उसे इंसाफ दिला रहा था सर। तू उसे रू कहकर मुझे फांसी पे लटकाने का प्रोग्राम बना रहा था क्या? मुझसे गलती हो गई सर, मुझे छोड़ दीजिए। इधर आओ। जा तू आगे जा। तुझे तो नहीं 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 सर। जल्दी। अरे आगे आगे, सॉरी सर। नहीं नीचे बैठो। ये मोटू तुम्हारी इस टीम का लीडर है। नहीं सर, हम तो बस ऐसे ही आगे सर। इनका कोई दोष नहीं है सर। चारों ओर कैमरे लगाए, कुबूल नामे का सीधा प्रसारण। पूरी तैयारी करके रखी है। मतलब तूने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है? सही है। सॉरी सॉरी। सुनो, गीतांजलि को मैंने मार डाला। सुना, पहले उसका रेप किया फिर मारा, इतना सबूत काफी है ना? या कुछ और बोलूं? उसके बॉयफ्रेंड को भी मैंने झूठे इल्जाम में फंसाया। बोल, इतना काफी है क्या? अगर जिंदा होती तो फिर से उसका रेप करके वीडियो बनाता, पुलिस वो वीडियो देखती और मुझे गिरफ्तार कर लेती। क्यों, यही प्लानिंग है ना तेरी? ए, बहुत खोपड़ी चल रही है तेरी, लेकिन जिंदा बचेगा तब तो पुलिस के पास जाएगा तू। रुक जा, उन्हें छोड़, हिम्मत है तो यहाँ। शाबाश, तुम्हारी बहन के आगे हाथ बढ़ाया तो उसने मना कर दिया, इसलिए मुझे उसका रेप करना पड़ा। लेकिन देखो तो आज तुम मुझे अपने पास इतने प्यार से बुला रही है, मैं तुम्हें आखिर मना कैसे कर सकता हूँ? अभी आया, इस पूरे सीन को दमदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बैटिंग तो मैं करूंगा ही, साथ में बॉलिंग भी करूंगा, और मैन ऑफ द मैच भी मैं ही हूँ। सर उसकी कोई गलती नहीं है, वो बेगुनाह है सर, गुनहगार तो मैं हूँ। ये मुझे छू भी नहीं सकता। ए, पागल हो गई हो क्या? चुप रहो। हिम्मत है तो मेरे पास आ। सर सर प्लीज उसे मत मारो। सर प्लीज रुक जाइए सर, जाने दीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए सर। सर मेरी बात मानिए सर, सर क्या कर रहे हैं सर? सर नहीं, आपको पाप लगेगा सर, मत कीजिए ऐसा। आज तक दो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है, तेरी आंखों में खौफ देखकर मुझे बहुत सुकून मिला।
ठीक है, ये तो सच्ची मुच्ची वाली भूतनी है। मुझे माफ कर दो मुझे। उस दिन तेरे सामने मैं बहुत गिड़गिड़ाई थी, क्या तूने रहम दिखाया था? मेरे बदले की आग ऐसे ही नहीं बुझेगी, मौत का दर्द तो तुझे भी दिखाऊंगी। मुझे लगता है बाहर कुछ तो झोल है, मुझे देखना होगा। मेरी सिखाई एक्टिंग ठीक से नहीं कर रही हो। एक्सप्रेशन लाओ, थोड़ा और एंगर, मेरा नाम दबा दोगी तुम। वो डर नहीं रहा है तुमसे। सुनो, एक अच्छे कलाकार को एक्टिंग में ऐसे घुसना चाहिए कि उसे अवार्ड मिले, और डराओ उसे, लेकिन इतना भी मत डराओ कि वो मर जाए। सुनो अंजलि, अगर उसे कुछ हो गया तो टीचर होने के नाते मुझे भी जेल जाना होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जेल में पूरी जिंदगी चक्की नहीं पीसना चाहूंगा। तुम लोग चुप करो, किस झमेले में तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया? मेरी स्टूडेंट बनाने के लिए तुम लोगों को यही लड़की मिली थी? तुम्हारा तो नाम ही शैतान है, वो तो सच की शैतान है। आवाज नहीं, चल जाए यहाँ से। हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बताता तो उसके बाल पकड़ कर धो डालते। अब तो डॉक्टर, डाउट क्लियर हो गया ना कि आत्माएं होती है। डर से मेरी पैंट गीली हो गई। डर के पैंट में सुसु कर दी। मजा आया भूतनी से मिलके। मजा नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सजा। कहीं उसकी बिरयानी बना के ना खो जाए। क्या हुआ? ये आत्मा है, आत्मा है, ये भूतनी है। मैं अंजलि हूँ। ये इंसान वाली अंजलि है, आत्मा नहीं है। सॉरी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब वो करेक्ट टाइम पे आ गई। दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था, फोन का सिग्नल भी चला गया था। लेकिन तुम लोग सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारी बहन ने ऑलरेडी काम कर दिया है। क्या तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा? हम भी कहाँ समझे थे, समझ में आने से पहले ही खेल खत्म हो गया। अंकल ये देखो, बॉडी लैंग्वेज, बेस वॉइस, सब कुछ परफेक्ट है ना? पूरा दिन मैंने प्रैक्टिस की। तुम प्रैक्टिस ही करती रह गई, वहाँ लाइव परफॉर्मेंस शुरू होके खत्म भी हो गया। चला गया। थैंक यू। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। ठीक है, ठीक है, कट, एक्शन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ना मिस्टर सत्या? ओके सॉरी, एक्शन। हाँ, प्रोड्यूसर एक लेडी है तो तुमने उसे बेवकूफ समझ लिया? हाँ हाँ, लास्ट पिक्चर में भी तुमने करेक्ट करेक्ट। रेडी हो कि नहीं? रेडी हो रहे हैं। क्या भाई, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं। लड़की ने दिया धोखा। करेक्ट, ब्रेन डाउन। सर एक काम करते हैं, आत्मा की एंट्री थोड़ी हट के दिखा दे। कोई आइडिया हो तो बताओ। भूत को उल्टा लटका के लाते, उसके तीन हाथ होने चाहिए। वो आइडिया तो अच्छा है सर, नीचे झुको ना। यहाँ नहीं वहाँ। पैर कहाँ है, सिर कहाँ है, पता नहीं चलेगा। कोई भी उसकी टांग नहीं खींच पाएगा, है ना, हॉलीवुड का भूत। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, लोकेशन शिफ्ट।
शूटिंग पूरी होने के बाद डायरेक्टर सत्या ने फिल्म पूरे इंडिया में रिलीज की। हर तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सत्या खुद को भारत का एक सफल फिल्म निर्देशक स्थापित करने में सफल हुआ। ऑफर की बारिश हुई, एक के बाद एक कई सारी फिल्में। इस फिल्म का डायरेक्शन बिल्कुल बढ़िया है। डायरेक्टर सत्या सुपर है, एक नंबर। हर शो हाउसफुल है, उसकी हर फिल्म सुपर। इस फिल्म को कोई अकेले नहीं देख सकता, सुपर हिट फिल्म है ये। चेहरा जाना पहचाना है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है मुझे। वो बस में रायचूर से मुंबई आते वक्त मैं आपके बगल वाली सीट में बैठी थी। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सर, कभी बस में घूमने वाले आज बेंस कार में घूम रहे हैं। अब पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, इसीलिए बेंस गाड़ी खरीद। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सब कुछ आप ही ने किया था। इतनी हिट फिल्में भी आपने बनाई, ग्रेट सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस, पब्लिक का प्यार और भगवान का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, बस यही मेरी सफलता का राज है। सर, हीरोइन के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रही? हीरोइन के साथ मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, ऑफ स्क्रीन फिजिकल थी, और अब शादी के बाद हमारा बायोलॉजिकल बच्चा होने वाला है। यानी हीरोइन से शादी कर ली? उसका भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ गया तो महाभाग्य बन गया। फिल्म रिलीज के समय आप दिखाई नहीं दिए, किसी और प्रोजेक्ट में बिजी थे क्या? मैं इस फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहा हूँ। प्रीक्वल में विलेन की मौत हो जाती है और सीक्वल में वो मधुमक्खी बन के हीरोइन को छेड़ता है। ये कैसे मुमकिन है सर? जब मक्खी किसी को भी डंक मार सकती है तो मधुमक्खी छेड़ क्यों नहीं सकती? तो फिर अगली फिल्म का टाइटल भी कुछ अलग ही होगा ना सर? हटके होगा मेरी तरह, किलर मधुमक्खी।